Okay, Bismillah Rahman Rahim. So we are having this second lecture on this infrastructure development for real-time BDA. In the last class, we have discussed several things. Jiske andar humne we talked about the infrastructures. Okay, we talked about the architectures. इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये होता है जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर ये होता है कि कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके यू ट्राई टू डू समथिंग यूजफुल फ्रॉम दैट, ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो है टिपिकली हमारे यहाँ जो है वो इट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, तो वी कॉल दैट अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। तो एक बैक एंड लेयर होती है, एक मिडिल टीयर होता है, एक फ्रंट एंड होता है। बाज़ औक़ात सिर्फ दो टीयर्स होते हैं, ठीक है। ये दो मेन हमारे यहाँ मॉडल्स चलते हैं। So, listen, any analytical application is going to have a backend. Backend पे typically हमारे पास data sources होते हैं। तो ingestion जिसको हम कह रहे थे, मैंने आपको ingestion का सारा मतलब बड़ा तफसीली समझाया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि what do you mean by real time streaming data and non streaming data or semi quasi streaming data. So, IoT sensors का जो data है वो streaming data होता है। इसी तरह जो वीडियो फीड्स आ रही होती हैं, कैमरास जो लगे हैं, वो स्ट्रीमिंग डेटा होता है। और वेबसाइट लॉग्स भी, सॉरी वेबसाइट लॉग्स भी सर, वेबसाइट वेबसाइट लॉग्स वो भी स्ट्रीमिंग डेटा आती है, लॉगिन्स इन टू द वेबसाइट। आई मीन इफ द अगर ई-कॉमर्स पोर्टल ऐसा है कि उस पर ट्रैफिक अच्छी खासी है, जैसे किसी आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, खास तौर पे जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए अच्छा एक मॉडल बन गया है, तो एकदम से तो आपके पास ट्रैफिक नहीं आती ना, इट टेक्स टाइम। तो अगर वो टाइम ऐसा है कि लोग आ रहे हैं तेजी से तो वो स्ट्रीमिंग है, नहीं तो फिर वो नॉन स्ट्रीमिंग कैटेगरी में आ जाएगा। तो आमतौर पर जो हमारा जो बैकएंड होता है उस पर हमारे पास डेटाबेसेस होते हैं, डेटा सोर्सेज से कनेक्टिविटी होती है, डेटा इंजेक्शन होती है, डेटा को इकट्ठा करके सॉफ्टवेयर के अंदर पाइथन में लाना, ये हमारे बैकएंड लेयर के ऊपर होता है। तो इसमें आमतौर पे जो हम लोग डेटाबेसेस इस्तेमाल करते हैं, टिपिकली वी यूज MySQL फॉर दी टेबल स्टोरेज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, एंड वी यूज MongoDB आमतौर पे फॉर दी नॉन रिलेशनल डेटा। वो नॉन रिलेशनल आपको पता ही है क्या मतलब है, कि obviously which is not tabular. उसके अंदर मशहूर फॉर्मेट्स कौन से हैं, JSON है, XML है, आपके पास बाइट कॉलमनर स्टोर्स हैं, आपके पास की वैल्यू पेयर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग विच इज नॉट अ स्ट्रिक्ट टेबल, दैट इज अ नॉन नो सीक्वल कैटेगरी। उसके अंदर MongoDB इस वक्त सरे फहरिस्त है रेगुलर यूजेज की, में जो कंपनीज की बात कर रहा हूँ। और मशहूर डेटाबेसिस आपके पास कौन से हैं, Redis है, लेकिन वो एज सच बहुत ज़्यादा अभी इट इज़ यूजफुल इन डेवलपमेंट और इस्तेमाल होता है, लेकिन जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन MongoDB की है वो Redis की अभी नहीं है कंपनी लेवल के ऊपर ना। तो Redis इज मोर और लेस टूवर्ड्स बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स। Redis इज ऑल्सो कैशिंग मैकेनिज्म। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने Redis अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन Redis इज अ डेटा बेस एज वेल एज अ कैश। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट डेटा बेस, इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस, सो की वैल्यू में सारा वो काम करता है। और इसमें यू कांट यूज इट टू स्टोर ट्रांजेक्शनल डेटा। जैसे मेरे कस्टमर का डेटा स्टोर करना है तो मैं उसके जो आइडियल जो फॉर्मेट है वो जेसॉन ही है, ठीक है। इट्स नॉट की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स में तो कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो एक कस्टमर की आईडी है, बाकी सब कुछ आपने एक ही वैल्यू में डाल दिया है। That is not an ideal way to store the data. Although आप इसको भी query कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि it's a semi-structured format, तो इसको समझना जरा आसान होता है। तो therefore MongoDB, MySQL use होते हैं, और जो बड़ी companies हैं obviously वो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर हमारा जो backend है वो मेरा ख्याल में Oracle ही है, ठीक है। और you might have multiple like SQL server भी उसके साथ हो सकता है चल रहा हो, लेकिन IBM का DB2 वगैरह वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में उसकी इतनी इन्फिल्ट्रेशन अभी नहीं है। या क्लाउड हो, क्लाउड की भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं है कि आपके सारे सारे डेटाबेसेस क्लाउड के ऊपर चले गए हैं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बैक एंड लेयर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमारे पास बीच में एक मिडिल टीयर होता है,
मिडिल टीयर के अंदर आपके पास वो चीजें आती है, जैसे हमने डेटा रैंगलिंग की बात की, ठीक है, तो हमें पता चल गया डेटा रैंगलिंग एक बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही तफसीली काम है, उसके अंदर आपके पास आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई स्टेजिंग एरिया चाहिए, मुझे कोई बीच की लेयर चाहिए, मुझे कनेक्टिविटी की लेयर चाहिए जो कि इस डेटा सोर्स से कनेक्ट करके बैकएंड से और मैं उस पर कुछ बीच के कुछ काम कर सकूँ। इसमें आमतौर पर यह भी होता है कि जो मिडिल टीयर होता है वो बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ कनेक्टर, इट्स अ कनेक्टर बिटवीन द फ्रंट टीयर, ठीक है, एंड द बैकएंड लेयर। बैकएंड और फ्रंट के दरमियान मिडिल टीयर कनेक्टर होता है और एंड देयर माइट बी अदर कंपोनेंट्स एज वेल हियर, ठीक है, जो कि मिडिल टीयर के थ्रू मैनेज हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सटर्नल डेटा रैंगलिंग के लिए आपको एक्सटर्नल एपीआई की सर्विस यूज कर रहे हैं, मसलन आप ट्राइफेक्टा यूज कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइफेक्टा बहुत ही मशहूर टूल है और डेटा रैंगलिंग का बहुत जबरदस्त टूल है। आई थिंक इज द लीडर राइट नाउ इन डेटा रैंगलिंग, डेटा प्रिपरेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा रैंगलिंग, नॉट एनालिटिक्स एज सच। तो अगर आपने ट्राइफेक्टा की कोई क्लाउड सर्विस इस्तेमाल की है तो क्लाउड तो कहीं और है, तो मैं मिडिल टीयर में उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिडिल टीयर पे मैनेज हो रही होती हैं। अच्छा, कोई भी जैसे बैंकिंग का कोई सॉफ्टवेयर होगा जो कि आपकी डिफरेंट बैंक्स को कनेक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वन लिंक है, वन लिंक जो है वो दो बैंक्स के दरमियान कनेक्टिविटी चाहता है, तो उसमें लाजमी आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर का मिडिल टीयर होता है ताकि बीच की जितने भी मैपिंग्स हैं वो हो सकें। I have to map my data from format of one bank to format of another bank. तो उसके लिए मुझे एक middle tier चाहिए होती है जो transformations करती है, conversions करती है और हमारे data analytics के term में normalization कर देगी, standardization कर देगी, values change कर देगी, missing values को replace कर देगी, statistical analysis present कर देगी। तो इस तरह के जो होता है ना, आप कहने के जो hard work वाली कहानी है, जो कि मुश्किल काम है, वो आपकी मिडिल टीयर के ऊपर आमतौर पे किए जाते हैं, इवन इन प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बनाते हैं, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के अंदर ऑल्दो इट्स नॉट अ बिग डेटा एग्जांपल, लेकिन बैक एंड के ऊपर एक डेटाबेस होगा, फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास एक एप्लीकेशन नजर आ रही होगी, और वो एप्लीकेशन डेटाबेस को इस्तेमाल कैसे करती है वो सारा का सारा मिडिल टीयर में हो रहा होगा। तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल लेयर जो कि आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बिग डेटा की बात करते हैं ना, तो उसमें जरा द सिनेरियो चेंजेस वेरी वेरी सिग्निफिकेंटली, ठीक है, वो अब हमें थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे। मैं आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि आमतौर पे हमारे पास एक बैक एंड लेयर होती है, मिडिल लेयर और फ्रंट एंड होता है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप कहें नहीं भी मुझे तो जरूरत ही कोई नहीं है, तो मैं बैक एंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट कर देता हूँ। अब इस केस में जो बीच का काम करना था वो या तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर कर लें, अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव काम नहीं है। एनालिटिकल एप्लीकेशन के लिए तो बीच की लेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका आपको मतलब अब समझ में आ गया है। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन एनालिटिकल नहीं है, जैसे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, तो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में सिर्फ डेटा यहाँ से फीड होगा और सिंपली डेटाबेस यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। बीच में सिर्फ ये होगा कि आपको एक लेयर चाहिए जो यहाँ से डेटा उठा के यहाँ डेटाबेस में डाल दे, तो वो लेयर आप यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो पाइथन का कोड आप यहाँ पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से कोई आप ये कह लें कि क्लास तो खैर बना सकते हैं, लेकिन यू डोंट नीड अ सेपरेट लेयर फॉर दैट कि उसको लेयर की जस्टिफिकेशन आप दें कि तीन अलग अलग मॉड्यूल्स बनेंगे मेरे सॉफ्टवेयर के। ऐसा नहीं है, दो मॉड्यूल्स होंगे, पहले मॉड्यूल में आपका फ्रंट एंड बना हुआ है, उस फ्रंट एंड के साथ ही यहाँ थोड़ा सा कोड है और यहाँ पे थोड़ा सा कोड है जो कि यहाँ इससे डेटा लेगा और बैक एंड में आराम से आपका स्टोर कर देगा। ये आपका MySQL डेटाबेस चल रहा है, तो ये दोनों मॉडल्स हमारे चलते हैं। लेकिन जहाँ तक बिग डेटा का ताल्लुक है तो वहाँ पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, तो अब इस केस के अंदर जो है ना वो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को कहा जाता है, जैसे अगर आपने कोई नेटवर्क का अगर आपने कोई भी काम करना है,
आपने एक बिल्डिंग में नेटवर्क डालना है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में राउटर्स भी होंगे, स्विचेस भी होंगे, ठीक है। राउटर्स जो है ना वो बेसिकली पैकेट्स को राउट करते हैं, स्विचेस जो है ना वो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बैकबोन पे सारे स्विचेस लगे होते हैं और फिर जब आप घर में आते हैं या कमरों में आते हैं वहां पे राउटर्स लगे होते हैं, जैसा वाईफाई राउटर्स होता है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं और वो आपस में किस तरह कनेक्ट करते हैं वो आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर की तो बात अभी कर नहीं रहे, एंड दी मेथड ऑफ क्रिएटिंग, मेथड ऑफ क्रिएटिंग का मतलब ये है कि टोपोलॉजी, जैसे नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा स्टार टोपोलॉजी और पता नहीं कौन कौन सी रिंग टोपोलॉजी होती है, कि भाई आपस में जो लेयर्स हैं वो कनेक्टेड किस तरह हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन, व्हाट इज, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स, इंफ्रा क्या है एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, उसको आप टोपोलॉजी भी कह सकते हैं और मेथोडोलॉजी भी कह सकते हैं, वट एवर वो ये चीज है। तो लेयर्स कितनी होंगी दूसरे अल्फाज में और वो आपस में किस तरह कनेक्टेड है, ये चीज़ आपने, दोनों चीज़ें आपने बड़ी वजाहत से बतानी होती हैं। तो जब भी आप कोई आर्किटेक्चर बिग डेटा का क्रिएट करेंगे तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। और फिर इस केस के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, उसकी इंट्रैक्शन होती हैं और जो उसके मॉड्यूल्स हैं उसके ऑब्वियसली एलिमेंट्स होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यानी कहने का मकसद वो ये है कि लेयर के अंदर यू कैन हैव डिफरेंट मॉड्यूल्स और मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है हमारा, डिफरेंट लेयर्स हैं, हमारे केस में सॉफ्टवेयर केस में हर लेयर के अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ऑब्वियसली हमारे पास सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स हैं और वो मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक लेयर दूसरे लेयर से इंटरेक्ट करती है, ये चीज आपने स्पेसिफाई करनी है। तो इट इज सिमिलर टू द आर्किटेक्चर ऑफ अ बिल्डिंग और इसके अंदर जो है ना वो एक ब्लूप्रिंट की तरह आप कह लें कि आपको कागज पे पहले बनाना पड़ता है कि क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसकी तो बकायदा पूरी ट्रेनिंग्स होती हैं, इट्स अ वेरी लुक्रेटिव जॉब। तो ये इतना आर्किटेक्चर बनाना इतना आसान काम नहीं है, जैसा कि एनालिटिक्स में आपको टाइम लगता है, ट्रायल एंड एरर होता है, इसी तरह आर्किटेक्चर में भी यही काम करना पड़ता है, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होता। सो इसके अंदर जो है ना कि कॉस्ट इज इन्वॉल्व्ड हियर, तो अगर मैं नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा हूँ तो मुझे महंगे महंगे सिस्को के राउटर्स खरीदने हैं, स्विचेस खरीदने हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी पहले से करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डिजाइन चॉइसेस क्या हैं वो मुझे देखनी पड़ेगी, जैसा हमारे केस में इसका मतलब क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि डेटा सोर्सेज मेरे पास कौन कौन सी हैं, मैंने उनसे किस तरह कनेक्ट करना है, मैंने इंजेक्शन कैसे करनी है, डेटाबेसिस मैंने कौन कौन से रखने हैं, फिर मैंने ये देखना होगा रैंगलिंग करने के लिए मैंने पाइथन में कितना काम करना है, मैंने कोई टूल कौन सा इस्तेमाल करना है, मैंने रिजल्ट स्टोर कहाँ पे करने हैं, क्योंकि जो मिडिल टीयर होती है, मिडिल टीयर के अंदर भी आपको डेटाबेस चाहिए हो सकता है, यू माइट नीड योर ओन डेटाबेस फॉर दैट, यानी फिजिकल डेटाबेस तो यहाँ पर ही कहीं पड़ा होगा जहाँ से आप कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टोर भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से एक डेटाबेस आपको बनाना पड़ेगा स्टेजिंग एरिया के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। तो कौन से टूल्स होंगे, मैं क्या क्या करूँगा, रिजल्ट्स कहाँ पे स्टोर होंगे, कैसे एक्सेस होगा, एक्सेस राइट्स क्या है उसके, That is also you have to define. Security obviously is an issue जो कि यहाँ पर आपको manage हर हाल में करना पड़ता है। और front end के ऊपर आपने development, आपने ये decide करना है कि development आपने कौन से tool में करनी है, web server कौन सा होगा, development language कौन सी होगी, उसको आप किस तरह से कितना time लगेगा implement करने में, ठीक है। और इन फिर आपने ये बताना है कि layers की आपस में interaction क्या होती है, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। इसमें ऑब्वियसली बिग डेटा के अंदर दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, फास्ट एंड रिलायबल। अब हमारे पास जो स्ट्रीमिंग की जो APIs आ गई हैं स्ट्रीमिंग डेटा को मैनेज करने के लिए, जैसे अपाची काफ्का हमारे पास एक है और दूसरा मैंने आपको बता दिया था पिछली बार स्पार्क स्ट्रीमिंग। तो जब भी आपने स्ट्रीमिंग डेटा को एनालाइज करना है तो प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ, मैप रिड्यूस जो है वो तो बैच डेटा के लिए है, ठीक है। स्ट्रीमिंग डेटा बार स्ट्रीमिंग जो है ना वो स्ट्रीमिंग डेटा को प्रोसेस, स्ट्रीमिंग डेटा पे आपने कोई टोटल निकालना है, एग्रीगेट निकालना है वेयर हाउसिंग के अंदर, तो वो स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू होगा, इंजेक्शन करने के लिए काफ्का के थ्रू होगा। अब ये मॉडल अगर आप यूज कर रहे हैं, ये आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फास्ट भी है, रिलायबल तो है ही। चैट पे जरा लिख दें तो फायदा होगा, चैट पे ना इस तरह मुझे बाजू का आवाज आती है बाजू का नहीं आती।
सही है, तो इसके अंदर जो है वो एक रियल टाइम कंप्यूटिंग लैंग्वेज वुड बी चूज है, तो वो हमारे पास अब ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप स्पार्क स्ट्रीमिंग नहीं यूज करना चाहते तो देर देर आर अदर सेवरल स्ट्रीमिंग ऑप्शन, जैसे अपाची टेज, ठीक है, अपाची टेज भी यूज कर सकते हैं। और इंजेशन के लिए तो आजकल मेरे ख्याल में तो काफका ही है, हो सकता है हमारे पास क्यूज भी हैं वैसे, वी कैन ऑल्सो हैव क्यूज इन दैट, के दो जो मैसेजिंग मैसेज क्यूज होती हैं, आई थिंक वन ऑफ देम इज एक्टिव एम क्यू, एक्टिव मैसेज क्यू, एंड द अदर इज रैबिट एम क्यू। तो अगर आप मैसेज क्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं बैकएंड के ऊपर या डेटा को इंजेस्ट कराने के लिए तो वो ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। और अगर आप प्योर काफ्का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो काफ्का भी बेसिकली मैसेज क्यू ही है, बस ये उसमें डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा सा उन्होंने उसको ज्यादा मजीद एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल के ऊपर उन्होंने उसको बनाया है, तो इट्स मोर रिलायबल, इट्स मोर फास्ट, इट्स मोर फेमस नाउ, इट्स मोर वेल नोन, इट्स मोर यूज्ड। तो मैसेज क्यूज हम स्पेसिफिक केसेस में इस्तेमाल करते हैं और जनरल यूज के लिए हम काफ्का ही इस्तेमाल करेंगे बैक एंड की लेयर के ऊपर। तो जब भी मेरे पास स्ट्रीमिंग डाटा डेटा होगा तो मैं काफ्का ही के थ्रू उसको संभालूंगा, ठीक है, ये चीज तो है। और आई डोंट नो कि इसमें हमने रिसर्च अभी तक इसमें नहीं की कि अगर मेरे पास स्ट्रीमिंग डेटा नहीं है, मतलब मेरे पास ट्रांजेक्शनल डेटा आ रहा है, तो ट्रांजेक्शनल डेटा एक अगर एक हल्की स्पीड पे आ रहा है तो मेरे ख्याल में उसको भी हम अगर काफ्का के थ्रू ही संभाल लें तो वो बेहतर होगा, लेकिन मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देखे नहीं है। मैसेज क्यूज का भी यही मकसद होता है कि जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए ठहराया जाए एक जगह के ऊपर, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए ताकि अगला बंदा जो प्रोड्यूसर है उसको तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो काफ्का के अंदर ये होता है कि वो टॉपिक्स असाइन कर देता है, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसके टॉपिक्स असाइन होते हैं और टॉपिक्स के हिसाब से फिर आप प्रोड्यूस कंज्यूम कर सकते हैं उसको, जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है काफ्का की क्यू के अंदर। तो मैसेज क्यूज भी वही है, काफ्का इटसेल्फ इज अ मैसेज क्यू, मैसेज क्यू तो बेसिक एक उसका नाम है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो काफ्का जो है इज अ टाइप ऑफ मैसेज क्यू जो कि समहाउ बहुत ज्यादा जो है ना वो फेमस हो चुकी है, ठीक है। तो ये है कि हम काफ्का पे ही फोकस करें तो मेरा ख्याल में वो बेहतर होगा, लेकिन इनके यूज केसेस के लिए मैं आपको इंशाल्लाह तआला ना असाइनमेंट दूंगा, तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें क्या करना है, ठीक है। तो बहरहाल अब रियल टाइम मतलब कंप्यूटिंग लैंग्वेज हमारे पास अब मौजूद है, ठीक है। एडिशनली टू सेटिस्फाई द नीड फॉर रिलायबिलिटी वी हैव टू मेक मल्टीपल रिटेंडेंट एंड प्रोड्यूस कॉपीज। तो रिटेंडेंसी हमें पता है कि हडूप के अंदर हमें पता है फॉल्ट टॉलरेंस ऑलरेडी मौजूद है, ये गाइडलाइंस है आर्किटेक्चर की असल में ना, तो मैं उसको बिग डेटा पे आपको मैप करके बता रहा हूँ। तो रिडेंडेंट में हमें पता है कि हर चीज फॉल्ट टॉलरेंस हडूप के अंदर मौजूद है, तो अगर आपने हडूप बैकएंड पे इंस्टॉल किया हुआ है जो कि स्पार्क भी हडूप पे ही चलता है, तो हर चीज जो है ना वो आपकी प्राइमरीली एचडीएफएस के ऊपर अगर है तो वो जो है ना वो आराम से आपकी वो कर रही है, क्या कहते हैं उसकी जो है ना वो हो रही है, उसकी कॉपीज बन रही है और इट इज गेटिंग रिलायबल ऑल द टाइम, ठीक है। एंड टू रन दीज कॉपीज ऑन इंडिपेंडेंट हार्डवेयर वाइल क्रॉस चेकिंग रिजल्ट, तो ये भी ठीक है। इंडिपेंडेंट हार्डवेयर के अंदर मतलब हमारा ये है कि हमारे पास नोड्स होते हैं और नोड्स के अंदर जो है ना वो हम बेसिकली इसको हम वो क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉपीज आर रनिंग ऑन डिफरेंट नोड्स, तो उसके थ्रू हम अपनी रिलायबिलिटी को जो है ना वो उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली चीज है, एक सेकेंड जरा जस्ट जस्ट वेट। तो या सो दिस इज द होल गेम हियर, तो आई होप के दिस इज क्लियर, ठीक है। ये थोड़ी सी अब लॉजिस्टिक बातें हैं, वी हैव टू सी कि हमारा हाई इम्पैक्ट किस चीज़ का आता है। तो हाई इम्पैक्ट इज प्रोबेबली डिटरमिंड बाय द प्रॉब्लम दैट यू हैव एंड द टेक्नोलॉजी दैट यू हैव। तो हमारे पास बिग डेटा की टेक्नोलॉजीज में इस वक्त आपको पता है कि अपाची हडूप और नो सीक्वल डेटाबेसेस, ये हमारे पास दो टेक्नोलॉजीज हैं और यही हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बीच में हम पुरानी टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैसेज क्यूज हैं तो वी कैन इम्प्लीमेंट सम मैसेज क्यूज, यू नो फॉर सम रीजन कि हमने कोई बेटर डेटा थोड़ी देर के लिए कहीं स्टोर करना है, या फिर कुछ सेशन का कोई डेटा है वो हमने थोड़ी देर के लिए किसी मैसेज क्यू में डालना है वो हम कर सकते हैं। लॉग्स हमने थोड़ी देर के लिए कोई मैसेज क्यूज में डालनी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन टिपिकली हमारे पास नो सीक्वल डेटाबेसेस हैं और हमारे पास अपाची हडूप का पूरा इकोसिस्टम है इंक्लूडिंग स्पार्क, ठीक है। तो वो हम उसी पे हम फोकस करते हैं और हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोकस ऑन डिसीजंस दैट हैव टू बी राइट द फर्स्ट टाइम। नाउ इन दिस केस अब आपको एक चीज को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आजकल जो जमाना बन रहा है ना वो ये है कि यू आर गेटिंग मल्टीपल डेटा सोर्सेस, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट लेट मी राइट दिस डाउन हियर,
Nowadays, you get multiple data sources and you do want to integrate them together and analyze them collectively. So ye main likh deta hu ki this is true for even for SMEs. ठीक है, और इसकी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि द रीजन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द सेम कंपनी एंड सोशल नेटवर्क्स. सो फॉर एग्जांपल जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. मार्केटिंग वालों को दे नीड द डेटा. ठीक है, नाउ ये शिफ्ट, उनका फोकस इस तरफ शिफ्ट हो गया है कि एनालिटिक्स के थ्रू हमें अपना काम करना है. दे डोंट हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट राइट नाउ, के उनके पास कोई भी ज़्यादातर मशीन लर्निंग का सॉल्यूशन होता नहीं है. और अभी तक हमने एक कभी मैंने अभी लिंक्डइन पे पोस्ट भेजी थी कि अभी हमने एक सर्वे करवाया मशीन लर्निंग का. तकरीबन 55 कंपनीज हैं हमारे, कराची की हैं ज़्यादातर. तो उसमें हमें पता ही चला कि मशीन लर्निंग अभी बहुत पीछे है, ये बहुत ही पीछे है. तो इसलिए अभी मशीन लर्निंग का तो मार्केटिंग वालों का इस्तेमाल करें ये तो अनहर्ड ऑफ है, लेकिन एनालिटिक्स यस, बीआई वेयरहाउसिंग लेवल तक लाजमी वो मेरे ख्याल में तो कर भी रहे होंगे. ठीक है, तो अब वो क्या है कि उनको आईटी की हेल्प चाहिए, क्रॉस डिपार्टमेंट जो है ना उसकी इंट्रैक्शन होती है. तो अब जो ज़माना हमारे पास आ गया है ना, वो ज़माना इस वक्त हमारे पास जा रहा है, आप इस तरह कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स डेटा लेक्स. और इसकी जो मिसाल है सबसे पहली, वो मेरे ख्याल में तो HBL है, कि HBL ने एक थर्ड पार्टी वेंडर के से अपना वो ऑलरेडी डेटा लेक जो ने इम्प्लीमेंट करवा लिया. डेटा लेक मेरे ख्याल में मैंने आपको बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट राइट. यस यू डिड. जी सर. तो अब ये जमाना ये जा रहा है कि आपके पास जो डिफरेंट सोर्स, अब आप ये देखें कि आर्किटेक्चर में बात कहाँ बैठेगी. यू नो व्हाट्स अ डेटा लेक राइट, और अपाची हुडी भी है और उसका ओपन सोर्स वर्जन भी मौजूद है. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डिजाइन द आर्किटेक्चर जिसमें डेटा लेक आ जाए बीच में, तो वेयर वी आर गोइंग टू पुट दैट राइट. तो हमें इट मेक्स सेंस के वी डू नीड टू हैव अ सेपरेट लेयर फॉर दिस, बिकॉज ऑलरेडी वो लेक है, वो एक छोटी चीज तो है नहीं. और हमें ये बात मालूम है कि डेटा लेक के अंदर जो है ना वो आपके डेटा आ रहा है, सारे डेटा रॉ फॉर्मेट में आते हैं. और हमने ये बात की थी कि आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि रॉ फॉर्मेट के अंदर डेटा लेक में आके गिर जाता है और डिफरेंट डेटाबेसिस में डेटा लेक में स्टोर हो रहा है. अब इसको हम किस तरह करें? ऑब्वियसली ये एक पूरा इंजेक्शन का एक मॉड्यूल यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, तो वी कैन हैव वन लेयर जिसमें इंजेशन हो और डेटा लीक हो, या फिर मेरे पास मैं ये कर सकता हूँ कि आई कैन हैव वन सेपरेट लेयर फॉर इंजेशन. मैं इस तरह का मॉडल बनाऊँ कि इंजेशन की एक अलग लेयर हो जाए, डेटा लीक की स्टोरेज की अलग लेयर हो जाए. और ये प्रोसेसिंग से पहले है, अभी तो मैं प्रोसेसिंग पे आया ही नहीं, प्रोसेसिंग तो बाद में आएगी राइट. तो ये प्रोसेसिंग से पहले का ये मेरा हिसाब किताब है और मैंने इस पर कोई क्लीनिंग नहीं की. तो आई एम ऑलरेडी अप टू टू लेयर्स, वन इज दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन. अब उसके बाद जिस डिपार्टमेंट ने जो भी काम करना है, जैसे ये मार्केटिंग वाले हैं, ये आपके ऑपरेशंस वाले हैं, ये आपके सेल्स वाले हैं, ये प्रोक्योरमेंट वाले हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस में डेटा आपके पास पड़ा हुआ है. तो इस तरह की कहानी बन सकती है कि उसको आप इस तरह कह लें कि दीज गाइज माइट नीड, इनको ये दोनों की ज़रूरत है और इनको जो है ना वो इन दोनों की ज़रूरत है राइट. तो इस तरह की सिनेरियो आपके पास आराम से डेटा लेक में क्रिएट हो सकता है, जहां पर भी बड़ी कंपनी होगी, या इवन आप कह लें कि रीजनेबल साइज कंपनी के अंदर भी ये सिनेरियो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं और करना भी चाहिए अभी. ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया, यू कम हियर राइट. तो अब ये जो सिनेरियो आ रहा है इसमें आप किस तरह से काम करेंगे? ठीक है, तो काम इस तरह से करेंगे कि एटलीस्ट यू शुड हैव टू लेयर्स हियर. एक लेयर पूरी की पूरी डेटा लेक को संभालेगी. उसकी वजह यह है कि यू माइट बी यूजिंग अ क्लाउड, तो क्लाउड का जो भी काम करें ना आप उसको इन हाउस के साथ मिक्सअप ना करें किसी भी लेयर के ऊपर ना. क्लाउड का जो काम है, क्लाउड के लिए आप बेहतर ये है कि आप एक अलग लेयर बनाएं और उस लेयर की सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को अलग तरीके से डिफाइन करें.
वरना जो है ना चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। क्लाउड पे तो आप उतना सिक्योर बना सकते हैं जितना कि क्लाउड आपको सिक्योरिटी देगा, इन हाउस आप उतना सिक्योर बना सकते हैं जितना आपको आईटी सिक्योरिटी देगा। तो आप सिक्योरिटी के हिसाब से भी हर लेयर को सेपरेट होना चाहिए, समझ में आ रही बात की? तो इट्स नॉट जस्ट के यार मुझे ये करना है, इसकी एक अलग लेयर बना दो क्योंकि बड़ा काम है, सिर्फ ये माइंड सेट नहीं है। आपको कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर देखना है और सिक्योरिटी को आपने खास तौर पे अपने सामने रखा। तो अब पाइथन का क्या है, पाइथन कोड इज नॉट सिक्योर बाय डिफॉल्ट, आई हैव टू मेक इट सिक्योर बाय थिंग्स लाइक एनक्रिप्शन हो गई या फिर कोई और टेक्नोलॉजी हो गई जिसके थ्रू मैं डेटा को सिक्योर बना सकूं, अपनी कोड को सिक्योर बना सकूं, उसकी वर्जनिंग कर सकूं। और डेटा लेक अगर मैंने क्लाउड पे रखी है तो वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो आई हैव टू डिजाइन दिस टू लेयर्स और इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन क्या होगी वो मुझे उसका पूरा प्रोटोकॉल मुझे डिजाइन करना पड़ेगा। आई हैव टू राइट द कोड फॉर दैट के ये लेयर इस लेयर से किस तरह से इंटरेक्ट करेगी, उसका मुझे एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा ताकि जिसकी बेस पे मेरा आर्किटेक्चर फाइनल होगा। तो इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, बिल्कुल बिग डेटा के केस में तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, बहरहाल ये मैं आपको बताना चाहता था कि अब जो मामला आ रहा है ना वो डेटा लेक्स का आ रहा है। तो डेटा लेक शुड बी ऑन अ सेपरेट लेयर, इंजेशन सेपरेट। अब यहाँ जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी, अब यहाँ पे मार्केटिंग वाले हैं उनको रियल टाइम चाहिए, अब आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केटिंग वालों को रियल टाइम की रिक्वायरमेंट है और जो ऑपरेशंस वाले हैं जाहिर सी बात है ऑपरेशंस वालों को रियल टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि वो तो ऑपरेशंस में बिजी हैं। तो एनालिसिस उनको बैच लेवल चाहिए, तो ये बी हो गए। और ये जो मार्केटिंग वाले हैं एम, ये रियल टाइम हो गए। ठीक है, ये बैच वाले हो गए। अच्छा, सेल्स वाले हैं वो कहते हैं हमें दोनों चाहिए, हमें रियल टाइम भी चाहिए और हमें बैच भी चाहिए। और जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं उनको बैच चाहिए। एक ही डेटा लेक से सारे डेटा ड्राइव करें। ठीक है, अब इसका तो मतलब ये है कि डेटा लेक के अंदर भी मेरे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, कुछ स्ट्रीमिंग हैं, कुछ नॉन स्ट्रीमिंग हैं, कुछ सीक्वल हैं, कुछ नो सीक्वल हैं, और फिर उनकी एक पाइपलाइन हर एक की बनी हुई है। यहाँ पर अभी तक मैंने क्लीनिंग कुछ की नहीं, सही है? तो अब नजरिया इस तरह का, आप इस लोग इस तरह से कॉन्सेप्ट समझें कि दो लेयर्स तो मेरे पास ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे जिनकी एनालिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए बेहतर ये होगा कि आप एक पाइपलाइन अलग बना लें। पाइपलाइन का मतलब है कि मे बी 2-3 लेयर्स। ठीक है, तो एक दो लेयर्स इनके लिए बना लेंगे जिसमें इनकी पूरी पाइपलाइन इंप्लीमेंट, क्योंकि क्लीनिंग की तो लेयर आपको बनानी पड़ेगी ना, रैंगलिंग की लेयर तो आपको बनानी है, तो चाहे उसको सिर्फ प्योर बीआई चाहिए, रैंगल तो आपको करना ही है। तो हर एक का पहले पाइपलाइन के अंदर रैंगल की लेयर आ जाएगी, उसके बाद एक आपकी एनालिसिस की लेयर आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद फिर आप कह लें कि एक फ्रंट एंड की लेयर है जो बीच में आएगी और उसमें आप ये सारे लोग फ्रंट एंड की लेयर से कनेक्ट करेंगे और ये करेंगे। अच्छा, आप ये थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं भाई हम अपने अपने फ्रंट एंड पे काम करेंगे, हर आदमी अपना अपना फ्रंट एंड डील करेगा, तो मार्केटिंग वाले अपना बनवा लेंगे, ये अपना बनवा लेंगे, ये अपना बनवा लेंगे, विच इज नॉट अ गुड अप्रोच। क्योंकि जो फ्रंट एंड का स्किल सेट है वो सिर्फ आईटी या एनालिटिक्स वालों के पास है, उनके पास हर एक के पास स्किल सेट है ही नहीं। तो बेहतर ये है कि आप एक फ्रंट एंड का एक ही प्लेटफॉर्म रखें, हर आदमी अपना ना बनाए। ठीक है, और क्या कहते हैं, होमोजीनियस रखने के लिए चीज़ों को बेहतर ये होगा कि आप अपना जो फ्रंट एंड है वो एक ही जगह के ऊपर सारे फ्रंट एंड्स हों, एक ही सर्वर के ऊपर सारे फ्रंट एंड्स मैनेज हो रहे हों, इसके बजाय कि मार्केटिंग वाले अपने डैशबोर्ड्स अपने तरीके से बनवा रहे हैं, सेल्स वाले अपने तरीके से बनवा रहे हैं, तो उसमें होमोजीनिटी नहीं रहेगी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द कंपनी इज ऑफरिंग इन देयर एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो बीआई जो है ना वो लगता तो बड़ा मक्खन सा काम है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो इतना मक्खन काम है नहीं, जिस तरह से आपको वो चीज़ें निकाल के दिखानी होती डैशबोर्ड्स के ऊपर, इट्स नॉट वेरी ईजी। तो ये अभी तक जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि वन लेयर, टू लेयर, तीसरी लेयर ये हो गई, चौथी लेयर प्रोसेसिंग की हो गई, और पांचवी लेयर यहाँ पे फ्रंट एंड की होगी जिसमें सारे के सारे गिर रहे हैं। अच्छा, बीच में आपके पास मजीद लेयर्स भी हो सकती हैं, जैसे मेटा डेटा की एक लेयर हो सकती है कि मेटा डेटा जो है ना वो मैं जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ, तो मेटा डेटा मैं कहाँ स्टोर करूँ, किसी डेटाबेस में स्टोर करूँगा, डेटाबेस कहाँ है, डेटाबेस को मुझे किसी लेयर में डालना पड़ेगा। और इसी तरह मैं जो चाहता हूँ कि लेट से कि मैं कुछ लॉग का कुछ प्री एनालिसिस चाहता हूँ, मैं एक ऐसी लेयर चाहता हूँ जो मुझे पहले से कुछ चीज़ें पता चल जाए, नॉट एट द राइट एट द राइट एट द एंड फ्रंट एंड की, तो उसके अंदर भी मुझे जैसे यहाँ रैंगलिंग के साथ मुझे एक छोटी सी फ्रंट एंड लेयर भी मे भी मुझे इम्प्लीमेंट करनी पड़े फॉर एनी रीज़न। तो कहने का मकसद ये है कि वही बात है जो मैंने आपको रैंगलिंग में समझाई थी कि जब तक आपको अपनी
मेन प्रॉब्लम नहीं पता होगी ना कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ बिग डेटा एनालिटिक्स के जरिए या डीप लर्निंग के जरिए या मशीन लर्निंग के जरिए, तो उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ना आर्किटेक्चर बनेगा, ना ही आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर सकेंगे, ना ही आप एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकेंगे, ना आप रैंगलिंग सही करेंगे, और आपके काम का कोई मकसद नहीं होगा। ठीक है, तो देयरफॉर द बेस्ट थिंग टू डू इज टू डिटरमिन कि भाई मेरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई हैव टू सॉल्व, दैट इज द मेन थिंग दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, क्लियर है ये, इसमें कोई मसला तो नहीं है? आई गॉट इट। हां बिल्कुल। तो ये वो चीज थी जो इम्पोर्टेंट स्टफ से हमने बात शुरू की और कहां से कहां बात निकल गई। ठीक है, तो वी हैव टू बी द राइट, वी हैव टू बी राइट द फर्स्ट टाइम। मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं है, मैं अगर एक स्ट्रीमिंग डेटा का आर्किटेक्चर बनाता हूं तो आई डू नॉट हैव द ऑप्शन टू चेंज दैट अगेन एंड अगेन, राइट। टेक्नोलॉजी भी मुझे शुरू में सोच समझ के फिजिबिलिटी करके सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ बाद में, मैं कहता हूँ यार काफका नहीं करो, रैबिट क्यू कर लो, रैबिट एम क्यू कर लो, एक्टिव एम क्यू कर लो। Why भाई, आपने पहले क्यों नहीं किया वो फिजिबिलिटी स्टडी? ठीक है, ये इसकी मिसाल ये है कि आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना मंगाया, और जब वो खाना लेके आया तो आपने कहा कि नहीं नहीं यार मैं सोच रहा हूँ कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं कुछ और खा लेता हूँ, तो वो व्हाट विल द वेटर से? ठीक है, तो यू हैव टू डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिबिलिटी स्टडी टू डिटरमिन कि मेरा आर्किटेक्चर क्या होगा। हम बाद में कुछ चीजें इररिवर्सिबल होती हैं, मतलब ये है कि फाइनेंशियली इररिवर्सिबल होती हैं। बहरहाल हमारे डोमेन में ये है कि ओपन सोर्स ने काम बड़ा आसान कर दिया है। अब जो हम आर्किटेक्चर की बात करें जीटा की, वो तो टुकड़े करता है, उसने हर चीज टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दी है। आप ये पीस उठा लें इसको यहाँ जोड़ दें, ये पीस उठा लें इसको यहाँ जोड़ दें, तो आप कदरे आसान हो गया है, तो ये इतना ज्यादा मसला नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी बिग डेटा की काम किसी बड़े सिस्टम के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना पूरा आर्किटेक्चर उनके सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उस वक्त आपको बड़ी मुसीबत पड़ेगी, वो इतना आसान काम नहीं होगा, उसके लिए आपको आईटी वालों की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो इसमें आपको डिसीजंस लेने पड़े हैं कि क्या डिसीजंस थे, और डिसीजंस कहाँ से आएंगे भाई? आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगी, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन। ये फिर थोड़ा सा आपका बिल्कुल बच्चों वाली चीजें हैं। ये मैंने आपको बताया था कि यह आपका टेक्स्ट एडिटर का बिल्कुल बेसिक है कि नीचे आपके पास स्टोरेज होती है कंटेनर्स के अंदर या किसी डेटाबेस के अंदर। उसके बाद एक बीच में मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर लेयर होती है, तो टेक्स्ट जो टेक्स्ट पैड होता है या वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, वो उसके अंदर एक ये कंट्रोलर लेयर होती है जो सारे लेआउट्स को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, और जो चीज़ आपको नज़र आती है फ्रंट एंड के ऊपर, वो व्यूज़ नज़र आते हैं और आपका इनपुट, आपको इजाज़त मिलती है कि आप फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करके ये कर सकें। और फिर आपको ये चीज़ें जैसे वर्ड के अंदर ऑप्शंस नज़र आती है, पेन्स नज़र आते हैं, ये वो चीज़ है। लेकिन जहाँ कंट्रोलिंग सारी की सारी यहाँ पर हो रही होती है, टाइप सेटिंग हो गई, टाइपिंग हो गई, ठीक है, सारी उसमें जो ऑटो करेक्ट हो गया, वो सब चीज़ें आपकी मिडिल टियर में कंट्रोल हो रही होती है। तो ये उसका बिल्कुल बच्चों वाला एक आर्किटेक्चर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो कॉम्पोनेंट्स को कहते हैं, और आर्किटेक्चर जो है ना वो हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, ये जैसे आई टी वालों को अगर आप देखें तो आई टी वालों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या हैं, सर्वर मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, और ये टिपिकली ये इस तरह ये कूलिंग वेंट्स लगे होते हैं आईटी, जहाँ पे सर्वर मशीन्स होती हैं। हमारे आईबीए में भी जो डेटा सेंटर है उसमें भी सारा ये कूलिंग का सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी हीट जनरेट करते हैं, तो ये सारा कूलिंग है और ये सारी मशीन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये ऑब्वियसली ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोनेंट्स हैं, ये आपके स्विचेज हैं, ये आपके स्विचेस हो गए, दो किस्म के स्विचेस हैं, और ये फिर आपके तीसरा स्विच है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्विचेस हैं, और ये जो इसके दरमियान आपस की कम्युनिकेशन के लिए आपके पास राउटर्स होते हैं। ये पूरा आर्किटेक्चर है, तो 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की आपकी बैकबोन है, और इस तरह से आपका पूरा नेट जो है ना वो तकसीम हो रहा है। ठीक है, तो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्किटेक्चर। ठीक है, मशीन लर्निंग में बहुत मुश्किल काम है ये, तो खैर बहुत ही बच्चों वाला उन्होंने मॉडल बनाया होता तो मैंने इसको एज इट इज कॉपी करके बता दिया, दिस इज नॉट द पाइपलाइन विच वी वांट। लेकिन ऑब्वियसली जनरल पर्पस के लिए रियल टाइम डेटा आ रहा है, बैच डेटा आ रहा है, आप उसको किसी जगह पे पहले स्टोर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यू कैन हैव मल्टीपल डेटाबेसेस हियर, यहाँ पर डेटा लेक्स भी आ जाएंगी जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर लिखी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये पूरी लेयर है जो मशीन लर्निंग इंजन की है, ये आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस लेयर है,
और यहाँ पर फिर आपके पास आउटपुट ले रहा है। तो मशीन लर्निंग इंजन के अंदर रैंगलिंग उन्होंने डाल दी है, ठीक है, फीचर की जनरेशन के मेरे पास रेलिवेंट फीचर्स कौन से हैं, एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई किया, ट्रेनिंग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो गया, एल्गोरिथम सिलेक्शन होगी, वो सब यहाँ पर है। मॉडल की आउटपुट हो गई, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हो गई, और ऑब्वियसली ये लेयर जो है ना वापस इस लेयर से बात करती है, और ये लेयर वापस इस लेयर से बात करती है, फीडबैक में तो यही होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस गोज द अदर वे अराउंड एज वेल, दोनों यहाँ जा रही है और फिर आखिर में ये लेयर से बात करती है। तो ये पूरा, ये जो आपका पूरा लूप है ये चलता रहेगा जब तक कि आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ना हो जाए, और फिर आप आउटपुट के ऊपर अपना एक्यूरेसी या मॉडल जो है वो दिखाना शुरू करेंगे। ये बेसिक आर्किटेक्चर है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो हमारी कहानी तो इससे बहुत आगे जाती है, ठीक है, ये तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है जो कि हमारे सामने इस वक्त खड़ी है। तो पाइपलाइन बनानी है, तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है मशीन लर्निंग। इसी तरह आप बीआई का भी बना सकते हैं, आप वेयरहाउसिंग का भी बना सकते हैं। ये कॉग्नोस वालों का है, तो आप देख रहे हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 3 में डेटा पड़ा हुआ है, ये उनके कंटेंट स्टोर्स हैं, मैट्रिक स्टोर्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, उसके ऊपर ये एनालिटिक्स का सर्वर है जो कि मेन रगड़े वाला काम कर रहा है, ठीक है। और टीयर 1 के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि वो वेब सर्वर होता है, तो ये इनका वेब सर्वर है, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो कि यूज़र को नज़र आ रही होती हैं, जिसमें आप क्यूब्स बना सकते हैं, आप KPIs को एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बेसिकली वो सारा काम यहाँ पर हो रहा है। एवरीथिंग इज बीइंग मैनेज्ड एट द टीयर 2, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सीम्स टू बी अ प्रिवेलेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जावा वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन का आपको पता ही है कि वो JVM क्या चीज़ है। JVM बेसिकली अलाउज यू टू यू नो रन द जावा कोड ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो मोबाइल डिवाइस के ऊपर और किसी और एम्बेडेड डिवाइस के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो जावा का कोड अब हर जगह पे एप्लेट के अंदर फॉर एग्जांपल आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी भी जावा काफ़ी प्रिवेलेंट है, नॉट विदस्टैंडिंग के पाइथन आ गई है, एंड्रॉयड आ गया वगैरह। एंड्रॉयड तो खैर पूरा जावा बेस्ड ही है, तो लेकिन ये कि जावा का अभी तक से है, तो ये उसका एक वो ये उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अंदर ये दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं, ये आपका एग्जीक्यूशन इंजन है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, ये स्टैक एरिया का मतलब ये होता है कि आपको टेम्प्रेरी कुछ अपना जो प्रोसेसिंग का डेटा टेम्प्रेरली स्टैक्स के ऊपर स्टोर किया जाता है हमारे कंप्यूटर्स में, रजिस्टर्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक स्टोर किया जाता है, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली कहानी होती है। और ये थ्रेड्स होते हैं, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको याद हो तो थ्रेड्स के अंदर आपकी सारी प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसिंग होती है, और हीप एरिया होता है जहाँ पे आपकी मेमोरी का एक हीप एरिया होता है जहाँ पर आपका वो डेटा जो है ना वो हीप होता है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स दिस मेथड एरिया, बहरहाल ये आपका पूरा स्टैक एरिया एक अलग लेयर के ऊपर है, एग्जीक्यूशन इंजन आपका अलग लेयर के ऊपर है, और जो क्लास लोडर है जो ऊपर से आपको जो डेटा एक्चुअली लोड हो रहा है जो कि यूजर व्यू है, वो आपका क्लास लोडर सब सिस्टम है। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ये दोनों जो लेयर्स है ना, ये दोनों लेयर्स आपके वो टीयर 2 का काम करती हैं, ठीक है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, लेकिन चूंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, दिस इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी, तो उसका इसलिए थोड़ा सा आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। सॉफ्टवेयर तो है वो, लेकिन उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है जैसा कि पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम होता है या फिर कोई टूरिज्म पोर्टल होता है, उस तरह की चीज़ नहीं है ये। इट्स अ सॉफ्टवेयर इज ऑपरेट्स एट द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, सो देयरफॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने ये कंपोनेंट्स जो है ना वो दिखा दिए, ठीक है। ये युबुंटू का है, युबुंटू का आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो मेन जो कर्नल इज द मेन यू नो क्रक्स ऑफ युबुंटू, तो लिनक्स कर्नल जो है ओपन सोर्स है और उसके जो ड्राइवर्स होते हैं साथ में, राइट, वो आपका बिल्कुल बेस बनाते हैं, वो एक सेपरेट लेयर पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके ऊपर आपके पास एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं जो कि आपका सारा युबुंटू को कंट्रोल करने के लिए आपकी एप्लीकेशन सर्विसेज जो है डिज़ाइन की गई हैं। तो इसमें आपके पास लेआउट मैनेजर है, मैसेज बस है, रेंडरिंग हो गई ग्राफिक्स की, और ऑडियो मैनेजमेंट, मीडिया सर्विसेज, ये जो सारी विंडोज़ पे हमें चीज़ें भी नज़र आती हैं, ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन हो गई, ग्राफिक्स कार्ड की डिटेक्शन हो गई, डिस्प्ले के रेजोल्यूशन हो गई, वॉलपेपर्स हो गए, फाइल एंड फोल्डर व्यूज हो गए, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गई, ब्लूटूथ हो गया, बायोमैक्स, हाँ कर लें हम, वाईफाई वगैरह हो गया। तो ये आपका सारा एप्लीकेशन सर्विसेज के ऊपर है, और जो UI है जो हमें नज़र आता है वो ऑब्वियसली ये उसके अपने जो ये कुछ उसके अपने मॉड्यूल्स हैं जो कि UI लेवल के ऊपर ऑपरेट करके हाँ आपको चीज़ें युबुंटू में जो नज़र आती है वो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं।
GTK plus और QT, ये इनके अपने obviously कुछ compressor, मुझे इनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, तो ये कुछ टूल किट्स हैं obviously जो कि आपको UI level के ऊपर आपको services as a front end user आपको देती है. और ये क्या कहते हैं, this seems to be the basic architecture for Ubuntu. Now just to, इन सब चीज़ों को देख के आपको आइडिया एक होना शुरू हो जाएगा कि भाई किस तरह से. .NET वालों ने इतना तफसीली नहीं बताया कि क्या चक्कर होता है. ये आपका वो क्या कहते हैं, WPF क्या होता है यार, वेब पेजेस समथिंग होता है, मैं भूल गया. बहरहाल बैकएंड के ऊपर ही आपके पास वही चक्कर है, कंपाइलर्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, रन टाइम कॉम्पोनेंट्स हैं जिसके ऊपर आपका बेस बना हुआ है, और ये आपका शेयर्ड है, और .NET कोर विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन. हाँ, विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन क्या था? Yeah, Windows Presentation Foundation. It's basically an open source graphical system originally developed by Microsoft for rendering user interfaces. हाँ, for the front end rendering. ठीक है, बिल्कुल याद आ गया, बिल्कुल. Basically Windows Forms हैं, I think जो WPF को इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें दो components हैं, .NET Core 5 और .NET Framework 4.6. अब ये इनका अपना specific है. This is not a standard. और इसके अंदर native है, ये है, उन्होंने बिल्कुल high level बताया हुआ है. .NET Framework में ये है. और जो 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 लाइब्रेरीज एक लेयर के अंदर उन्होंने वो तमाम चीज़ें रख दी हैं जो कि हर एक को चाहिए. दैट सीम्स टू बी वेरी गुड आइडिया, लाइक अ रिपोजिटरी, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, शेयर्ड लाइब्रेरीज हैं, शेयर्ड रन टाइम कॉम्पोनेंट्स हैं, कंपाइलर्स हैं, बेसिकली ये चीज़ है जो कि आपकी फ्रेमवर्क और कोर को चला रही है, जैसे मैंने आपको बताया है. तो दिस इज नॉट अ टीयर वन टीयर टू थिंग. इन्होंने अपना आर्किटेक्चर बनाया है, जैसे कि IBM वालों ने भी अपना बनाया हुआ था, ठीक है, और Ubuntu वालों का भी अपना था. इसी तरह इन्होंने अपना इस तरह से एक मॉडल बनाया. ऊपर आप फिर वेब विंडोज फॉर्म्स बनवा लें, ASP.NET पे वेब पेजेस बना लें, मोबाइल ऐप्स बना लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई डोंट नो, विंडोज, हाँ, विंडोज फोन्स की अपनी मोबाइल ऐप्स होती हैं, तो वो चलता है. विंडोज फोन चल रहे हैं आजकल क्या मार्केट में? चल रहे हैं सर, लेकिन इतने ज्यादा नहीं एज कम्पेयर टू एप्पल और एंड्रॉइड. तो उनके तो फिर अपने वो मोबाइल मोबाइल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म उनका तो अपना होगा ना, विंडोज वालों का. डू यू नो अबाउट दैट? अपना है, या अपना है उनका, जैसे नोकिया का भी अब ज्यादातर विंडोज पे चलता है. हाँ, वो माइक्रोसॉफ्ट वन, नोकिया वन जो फोन आया था ना, वो आई थिंक पूरी सीरीज है. आई माइट बी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोबाइल फोन्स, लेकिन आई थिंक आई यूज्ड इट वंस, इट वाज गुड, लेकिन वो बस एंड्रॉइड के मुकाबले में इट वाज नॉट Not very convenient. अच्छा, ये फिर आपके पास क्या हो गया? ये Android का आ गया. चलो जी, Android का नाम लिया, Android का आ गया, ठीक है. Android के अंदर क्या है जनाब? ये Linux kernel, platform libraries, Android runtime इन्होंने अलग कर दिया है, application framework और उसके ऊपर फिर सारी जो application आपके, ये आपका पूरा जो mobile phone, smartphone है उसके अंदर ये आपका पूरा architecture implement हुआ हुआ है. तो Linux kernel के अंदर सारे drivers हैं. प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज के अंदर वी हैव थिंग्स लाइक जो कि यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रही हैं एट सम सॉर्ट ऑफ हाई लेवल. जैसे ग्राफिक्स का उन्होंने एक लाइब्रेरी बना दी है जो कि ग्राफिक्स के ड्राइवर्स को और सारी ग्राफिक्स चीज़ों को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है. ओपन जी एल, SQLite जो है ना वो डेटाबेसिस के लिए है, और SSL जो है ना वो ऑब्वियसली आपका सिक्योरिटी के लिए है. SGL का मुझे मतलब अभी याद नहीं है कि क्या है. उसके ऊपर आपका क्या है, एंड्रॉयड का रन टाइम एनवायरमेंट है. रन टाइम एनवायरमेंट इज द एनवायरमेंट जिसके थ्रू आपका वो ऐप चलती है. उसके अंदर ये डिफरेंट इनके कंपोनेंट्स हैं, इसके मतलब आप खुद देख सकते हैं कि क्या है. दे नीडेड इट एंड दे मेड अ सेपरेट नोट. बल्कि ये रन टाइम एनवायरमेंट के अंदर ही प्लेटफॉर्म लाइब्रेरीज आ रही हैं फॉर देम, ठीक है. और एप्लीकेशन फ्रेमवर्क जो है ना वो उससे भी जेनरिक चीज है जिसमें उन्होंने मैनेजर्स बना दिए हैं. तो मैनेजर्स जो है ना वो यहाँ मैनेज करते हैं, वो यहाँ मैनेज करते हैं, वो यहाँ इस्तेमाल करते हैं, पैकेज मैनेजर और ये वो, जैसा कि कंपनी की हायरार्की होती है. और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन होती हैं जो कि आप कह लेंगे फ्रंट एंड लेयर है. तो इन अ सेंस दे हैव थ्री डिफरेंट लेयर्स, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री और टीयर फोर आप कह रहे हैं. और इट्स जस्ट बिकॉज के एंड्रॉयड इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए उन्होंने उसको इस तरह से मैनेज किया है. तो इसी तरह हमें बिग डेटा के लिए भी अपना काम करना पड़ेगा. ये सैप का है, सैप का जो नेट वीवर है उसके अंदर आपके पास क्या आ रहा है जनाब? कुछ सर्विसेज वगैरह आ रही हैं, ये सारा डेटा. अच्छा, ये आपका ये एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है? सेल्फ सर्विसेज, एडोब प्रिंटिंग फॉर्म्स एक्सेट्रा, J2EE क्या चीज है को बता सकता है? व्हाट इज J2EE?
I've never heard of this J2AA. Never heard of this? Yeah. ऐसा नहीं करें यार, ये तो सर्च करें अभी. ठीक है. I think it is Java to Enterprise something है. This is also some Java framework for enterprise application development. देखिए क्या मतलब इसका. It's a platform enterprise edition, sir. Set of specifications with for enterprises such as distributed computing. हाँ बिल्कुल 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 सही है. जावा में असल में मैं आपको बताया था ना कि पाइथन के आने से पहले जावा में एंटरप्राइज बड़े बड़े एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स पोर्टल्स, वेब पेजेस, वेब सर्वर्स, सॉरी पूरे पूरे वेबसाइट्स जो है ना वो जावा में बनती थी. और कंपनीज के भी बहुत सारे जो इस तरह के जो काम थे, जो डैशबोर्डिंग नहीं थी उसके अंदर, लेकिन आपको बेसिक कोई व्यूज वगैरह देखने हैं वो सारा का सारा जावा पे वो मैनेज हो जाता था. ये सैप की भी इसमें जरूरत नहीं होती थी. और अब वो ट्रेंड चेंज हो गया सैप के आने के बाद और पाइथन के आने के बाद. अब एंटरप्राइज जो है ना पूरे के पूरे पाइथन पे, .NET पूरे पूरे एंटरप्राइज एप्लीकेशन आपको बना के दे देता है. लेकिन आप ये कह लें कि 10-15 साल पहले तक इतना ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं थी ये चीज़ें. उस वक्त जावा की बहुत मांग होती थी. तो उस वक्त ये चीज़ें J2EE वगैरह और J2ME वगैरह ये चीज़ें बड़ी मशहूर होती थी. ABAP का ज़रा मतलब देखिए, ये भी मैं भूल गया, फॉरगॉट अबाउट दैट. ये भी प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है. Sir, ADAPT तो सर ड्रग असिस्टेंस प्रोग्राम्स है. सॉरी ADAPT का तो मेरा है ड्रग असिस्टेंस प्रोग्राम्स. ड्रग असिस्टेंस, हां ये है मेरा गूगल करके. ABAP सर्वर, ABAP प्लेटफॉर्म. सॉरी ABAP मैंने ADAPT किया, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने ABAP किया. वाह सर. Sir, ABAP is a high-level programming language created by a German company, SAP SE ने बनाया था, extracted from base computing languages like Java, C++ and Python. अच्छा, इसका तो मुझे idea नहीं. I don't know कि maybe ये इसके लिए इस्तेमाल होती हो. It's not. I don't know कि maybe Europe में इस्तेमाल हो रही हो कि नहीं. इसका मुझे इतना अच्छा idea नहीं है. J2EE is quite famous. ये तो. But I'll just say, आप इस तरह बताने कि अगर आपने कोई भी बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है किसी बड़ी कंपनी पे, एंटरप्राइज लेवल कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो जावा के पास अभी भी फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं कि आप एंटरप्राइज बना सकते हैं. लेकिन अब मामला ये है कि वो लोग अब .NET की तरफ ज़्यादा खिंच जाएंगे, या जो तेज़ लोग हैं वो ओपन सोर्स पर सारा काम करवा लेंगे. पूरी की पूरी एंटरप्राइज एप्लीकेशन ओपन सोर्स पर डेवलप हो जाएगी. ठीक है, अभी मुझे रिसेंटली पता चला कि IBA के अंदर भी वो एक ओपन सोर्स ERP में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं एज कम्पेयर टू पीपल सॉफ्ट. क्योंकि पीपल सॉफ्ट में प्रॉब्लम यह है कि वो द सिस्टम इज टू कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें अगर आपने कोई चीजें वो करवानी हो कस्टमाइज, तो उसके डेवलपर्स नहीं मिलते. ऑन द कंट्रेरी अगर आपके पास अपने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, तो आप अपने हिसाब से डैशबोर्ड्स कंपाइल करवा सकते हैं. तो आपको पता ही है, दिस इज द रीजन कि हम इस तरह के जो आपके डिप्लोमास हैं वो इतने वर्दी हो चुके हैं, कि अगर आपने ओपन सोर्स के ऊपर हाथ साफ थोड़ा सा कर लिया, तो यू आर इन अ गुड पोजीशन टू लीड सच अ टीम टू और इंप्लीमेंट देम योरसेल्फ एंड सेल इट. ठीक है, फॉर दैट मैटर. और हल प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट इज देयर, उसके ऊपर प्रोसेस इंटीग्रेशन होती है. दिस इज वेरी सिमिलर टू जैसे हमने अब डेटा लेक्स के बाद डेटा इंटीग्रेशन करनी है. तो मैंने जो आपको भी बना के दिखाया था, डेटा लेक से एक पाइपलाइन निकलेगी. पहले रैंगलिंग लेयर आएगी, रैंगलिंग लेयर के अंदर हमारी इंटीग्रेशन होगी क्लीनिंग के बाद. ठीक है, तो अगर मैं दो डेटा सोर्सेज को इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो दोनों की अलग रैंगलिंग लेयर होनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों आपस में उस वक्त तक इंडिपेंडेंट है. उसके बाद एक तीसरी लेयर के अंदर आप उसको इकट्ठा कर दें एक इंटीग्रेटेड लेयर के ऊपर, उसके बाद आप उसको प्रोसेस करें. तो ये ऑलरेडी इनके पास जो जावा के फ्रेमवर्क्स हैं उसमें ये लेयर्स आप बनाना आपके लिए आसान होता है. उसके बाद इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि इट्स द सेम एज प्रोसेस इंटीग्रेशन. मतलब है तो इंटीग्रेशन ही, ये प्रोसेस लेवल के ऊपर है, ये एनालिटिक्स लेवल के ऊपर है. ठीक है, यहाँ पे देखें BI आ रहा है और नॉलेज मैनेजमेंट आ रहा है, MDM आ रहा है. जहाँ पर आपके पास ऑपरेशनल डेटा की इंटीग्रेशन के ज़्यादा वो कनेक्टर्स वगैरह या फंक्शन आ रहे हैं. और फिर ये एक चीज़ आपके पीपल इंटीग्रेशन हो गई, तो ऊपर एक आपके पास एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म होगा, जैसा कि स्लैक है. ठीक है, स्लैक है, या जैसे कि आपके पास वो है ऑफिस 365 है. ऑफिस 365 बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है,
कि मैं और आप अगर ऑफिस 365 के यूजर्स हैं, एक ही इदारे में काम करते हैं, तो हम एक पीपल लेवल पे इंटीग्रेट हो चुके हैं और हमारे नीचे जो है ना वो सब चीजें ये चल रही हैं, और मैं आपको अपना डैशबोर्ड शेयर कर सकता हूँ, आप मुझे अपना डैशबोर्ड शेयर कर सकते हैं, आपने किसी और नजरिए से उसको बनाया है, मैंने किसी और नजरिए से बनाया, लेकिन आप मेरा डैशबोर्ड देख सकते हैं, मैं आपका काम देख सकता हूँ। तो ये जितने भी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये भी बहुत ज्यादा इस वक्त लुक्रेटिव हो चुके हैं। स्लैक इज वन ऑफ देम, और ये जितने भी चैटिंग वेटिंग के क्लाइंट्स थे, जो कि MSN हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर हो गया, अब ये व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप पे लोग बिजनेसेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो छोटे मोटे बिजनेस लोग कर रहे हैं वो व्हाट्सएप पे सारी तस्वीरें भी चली जाती हैं और वीडियोज भी चली जाती हैं, रिव्यूज भी आ जाते हैं। तो अब व्हाट्सएप का आर्किटेक्चर तो बिल्कुल ही बच्चों वाला होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, WhatsApp का पूरा बिजनेस वर्जन भी इसके लिए है। हाँ, बिजनेस वर्जन में उसका मुझे फ्रैंकली इल्म नहीं है। It will be interesting to discover कि वो क्या आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जावा बेस्ड स्टैंडर्ड्स यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, ये जो XML और JMI और XMI और ज्यादातर जो ना ऑडबो मैं भूल गया ये क्या चीज है, पर इसके बारे में हमें इतना ज्यादा परेशान होने की अभी जरूरत नहीं है। XSLT ये जावा के साथ ही ये सारे ये उसके डेटा फॉर्मेटिंग या डेटा की डेटा स्कीमा डिजाइन ये फॉर्मेट से, देखिए XML भी बीच में आ रहा है। XMLA क्या है, ये उसका एक एक्सटेंशन थी जो कि मुझे अभी भी फ्रेंकली याद नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट कंसर्न टू अस दैट मच। बहरहाल अब आपको यू गेट अ क्लियर आइडिया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और ओरेकल का जो डेटाबेस है इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये ओरेकल का सिंपल है इसका आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि दिस इज द इंस्टेंस जो कि आप लॉन्च करते हैं, ये पूरा इंस्टेंस आपका ये चल रहा है, राइट? ये चीजें सारी आपकी बाहर बैठी हुई हैं, ये कुछ लॉग्स हैं आपके पास और कुछ मेटा डेटाज हैं, कुछ कंट्रोल फाइल्स हैं जो कि सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि मेटा डेटा या कंट्रोलर लेयर आप कह लें, और अंदर जो मेन इंस्टेंस के अंदर है वो सिस्टम ग्लोबल एरिया है जो कि मेन एरिया है। फिर एक आपका ये PGA है, दिस प्रॉब्ली स्टैंड्स फॉर प्राइवेट ग्लोबल एरिया, ठीक है, या परफॉर्मेंस ग्लोबल एरिया, समथिंग लाइक दैट, जिसके अंदर आपके सर्वर प्रोसेसेस मैनेज हो रहे हैं। ये बीच के, ये मैं कहता ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ये बीच की कुछ एक्स्ट्रा उनके कंपोनेंट्स हैं जो उनको इन सब चीजों को यहाँ कनेक्ट कराने के लिए चाहिए। आप देख लें कि सब चीजें नीचे की तरफ आ रही हैं, और ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो गई, और सिस्टम मॉनिटरिंग हो गई, और ये पता नहीं मेमोरी मॉनिटरिंग हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे ये चल रहे हैं। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आई डोंट नो कि ये डिफरेंट लेयर पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, प्रॉब्ली चल रहे होंगे, ये किसी दूसरी लेयर के ऊपर चल रहे होंगे, ये तीसरी लेयर पे चल रहे हैं, और ये SGA पूरा एक अलग लेयर के अंदर चल रहा है जिसके अंदर और लेयर्स मौजूद है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर, आप देख रहे हैं कि इट्स नॉट ईजी, और बिग डेटा में तो खैर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक आर्किटेक्चर डिजाइन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस किस्म का जो काम हो, और ये उसके मुख्तलिफ चीजें बीच में आ रही हैं, और पता नहीं उन्होंने किस तरह बनाया होगा, बट एक दफा उन्होंने बना लिया, अब उसके पिछले 30-35 साल से वो पैसे कमा रहे हैं। ये उनका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, ये तो पुराना वाला था, ये नया जो ओरेकल आजकल है ये उसका भी पुराना हो गया, 12 वाला है ये, दिस इज 12C। आजकल तो पता नहीं आजकल कौन सा सी चल रहा है, बता सकते हैं आप? 19C तो मुझे पता था, 12, हाँ 19C, हाँ 9। अब आप देख लें ये 12 पे ही हाल है, तो 19 पे क्या हाल हो रहा होगा, सही है? तो अब देखें ना, चीजें तकरीबन वही हैं, आप देख रहे हैं कि SGA भी अभी तक हमारे पास यही है, और प्रोग्राम ग्लोबल एरिया भी यही है, और बाकी जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस ये सारे चल रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेसेस अब बहुत सारे हो गए, ये देखें ये पूरी के यहाँ पे लाइन जो है ना वो चल रही है, अब उन्होंने पता नहीं इसको किस तरह किया होगा, ग्लोबल रिसोर्स डायरेक्टरी, शेयर्ड पूल, ब्ला 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 ब्ला। इस चीज को करने के लिए आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी टीम होती है जिनको आप लाखों डॉलर देते हैं साल के, फिर वो आपको ये चीज़ बना के देंगे, ये हमारे पास की बात अभी नहीं है, ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इट्स नॉट दैट ईजी, द ओरेकल बिकता इसलिए क्योंकि उसमें उन्होंने जान बहुत मारी है, ठीक है। ये गूगल के सर्च इंजन, तो इसके अंदर क्या चक्कर होता है, पेज रैंक का एक मॉड्यूल है जो कि पेजेस को रैंक असाइन करता है, यू गॉट दिस रिपोजिटरी, एक आपके पास कॉम्पोनेंट URL, इसमें कोई लेयर्स का इतना कोई खास कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने ही है, इट्स मोर लाइक कि ये एक ही सिंगल लेयर है, ये पूरी बैकएंड लेयर है, और ये हमारे पास फ्रंट एंड लेयर है जिसमें आप यहाँ पे बैठे हैं एज ए यूजर,
ठीक है, तो ये आप सर्चर हैं और फिर सर्चर में जो भी आपका जो भी क्वेरी होती है वो आपका क्वेरी को रिजॉल्व किया जाता है। लेट मी चेक वेयर इज दी क्वेरी, क्वेरी का यहाँ पे कोई इतना वो है नहीं। बहरहाल URL क्रॉल होते रहते हैं, क्रॉल होकर रिपोजिटरी में अपडेट होता रहता है और इंडेक्स होता रहता है, उसके एंकर्स के थ्रू URLs रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर ये आपके पास बैरल्स बने हैं जिसमें आपका पूरा डेटा सॉर्ट होता है। ये सारा हडूप के ऊपर है इनका, इन्हें इनका जो हडूप का कॉन्सेप्ट हमने नहीं से लिया था, तो इनका जो हडूप वर्जन है गूगल वालों का वो सारा ये बैरल्स के अंदर है। सारा डेटा इनका बैरल्स में पूरी दुनिया में तकसीम हुआ हुआ है, गूगल सर्च इंजन का डेटा। और यहीं से फिर निकाल के जब आपकी क्वेरी आती है तो उसके हिसाब से जो आपके पास हिट्स आई हैं उसका वो पेज रैंक निकाला जाता है और आपको वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई हमें ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, दो तीन मेन काम, एक तो क्रॉलिंग का काम हो रहा है, ये सारा आपका क्रॉलिंग का काम नहीं है, क्रॉलिंग की एक लेयर बना लें, एक लेयर आप जो है ना इंडेक्सिंग की बना लें, वो ये लेयर इंडेक्सिंग की कर दें, ये लेयर आप पेज रैंक की कर दें अगर आप करना चाहते हैं, और ये लेयर जो है ना आप फ्रंट एंड की रख दें। ये चार लेयर्स आप बीच में चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो इट्स एज सिंपल एज दिस डायग्राम जो कि यहाँ पे शो है, लेकिन जनरल लेवल के ऊपर यू कैन स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ये आपका पावर बीआई का और आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया हुआ है, ये क्लाउड के ऊपर है। तो क्लाउड के ऊपर क्या हो रहा है कि एंड यूजर है, पावर बीआई की मोबाइल ऐप है या टैबलेट वर्जन है जो भी है, और उसके साथ आपके पास ये पावर बीआई की सर्विस है। ये आपका मेन लेयर है जिसके अंदर डैशबोर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, डेटा सेट्स आते हैं, और यहाँ पर आपके पास यू गॉट समथिंग विच इज एन एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, कोई बता सकता है? ये मुझे आइडिया नहीं है, बट मोस्टली अकाउंट मैनेजमेंट सारे हो रहे हैं एंटरप्राइज। ठीक है, सॉर्ट ऑफ अ मैनेजमेंट लेयर, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लेयर, आप देखेंगे वो ऑन प्रेम भी है और यहाँ पर आपको इस क्लाउड के ऊपर भी है। फिर ये जो ऑफिस 365 के और बहुत सारे डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, स्वे हो गया, फॉर्म्स हो गए, एल बलाबला दूसरी ड्राइव हो गई, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो ये अब इन्होंने असल में मतलब ये तो एनालिटिक्स का सारा काम इन्होंने एक ही लेयर में डाल दिया। वो क्यों डाला है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये इन्होंने अपनी ही एनालिटिक्स की पाइपलाइन बनाई हुई है। जैसे पावर बीआई में जब डेटा लेकर आते हैं तो वो कहते हैं पावर बीआई में ही ट्रांसफॉर्म करो, पावर बीआई में ही इंटीग्रेट करो, पावर बीआई में एनालाइज कर लो, लिहाजा वो सारा काम जो है क्लाउड के ऊपर वो एक ही लेयर पे हो रहा है। हमारा नजरिया ये है कि हमें सब ये काम अलग अलग करने, क्योंकि हमें तो बिग डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, पावर बीआई तो बिग डेटा को संभाल ही नहीं सकता मेरे ख्याल में, कि वो चंद सौ मेगाबाइट से आगे जो उसका फ्री वर्जन है वो नहीं संभाल सकता। हाँ, क्लाउड के ऊपर मुमकिन है कि वो 10 गीगाबाइट्स या 50-100 गीगाबाइट्स तक भी आराम से चला जाए, आप उसकी पेमेंट कर दें तो वो उसको संभाल लेगा, लेकिन जो उनका डेस्कटॉप वर्जन है वो तो चंद सौ मेगाबाइट्स ऊपर डेटा को नहीं संभाल सकता है। तो इस तरह के कामों के लिए फिर हमें फिर हम अपना बनाना चाहेंगे, ऑन प्रेम बनाना चाहेंगे। ठीक है, ऑन प्रेम में क्या है, विंडोज सर्वर है, क्योंकि उन्होंने विंडोज का नाम तो लेना है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ठीक है, और विंडोज 10 का आपके पास क्लाइंट है, उसमें आप ये आपके पास एक गेटवे बना हुआ है और साथ में डेस्कटॉप आपका वो है, यू आर द पावर बीआई यूजर, और जो विंडोज सर्वर है उसके अंदर आपके पास ये जो पूरा गेटवे है उसकी पूरी मैनेजमेंट है। गेटवे के थ्रू आप डिफरेंट, यानी उन्होंने पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा अपना इकोसिस्टम उन्होंने बना दिया है। वेयर हाउसिंग करना चाहते हैं, एनालिसिस सर्विसेज मौजूद है, स्टोर करना चाहते हैं SQL सर्वर मौजूद है, एनालिसिस बीआई करना चाहते हैं पावर बीआई मौजूद है, मशीन लर्निंग करना चाहते हैं एज़्योर मशीन लर्निंग मौजूद है, इवन पावर बीआई के अंदर भी क्लाउड के ऊपर आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं। ये भी रिसेंटली हमें पता चला है सर्वे के थ्रू, पावर बीआई के ऊपर भी मशीन लर्निंग हो सकती है क्लाउड में थ्रू, जाहिर सी बात है एज़्योर पे होगी, तो मैं एज़्योर में डेटा लेकर आऊँ, एज़्योर का डेटा ले आऊँ और पावर बीआई में मशीन लर्निंग उसको कर लूँ। अभी उसकी डिटेल्स क्या है वो मुझे इतना अभी उसके इलम में नहीं है कि वो किस तरह वर्क करता है, इसको हम एक्सप्लोर करवा सकते हैं उसका आर्किटेक्चर जो है। ठीक है, तो बहरहाल आप देख रहे हैं कि आर्किटेक्चर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते और हर कंपनी का अपना नजरिया। ये टैबलू का है, टैबलू का बड़ा नाइस एंड सिंपल है और बड़ा रोबस्ट है, ये बिल्कुल वो चीज़ है। डेटा सर्वर, डेटा लेयर हो गई, इसमें आपको पता चल गया कि इसका क्या मतलब है। क्यूब्स का मतलब है ऑलरेडी जो क्यूब्स बने बनाए हैं,
ये वेयरहाउसिंग का नहीं, वेयरहाउसिंग का आर्किटेक्चर तो अलग होगा, हम तो वो बात कर रहे हैं कि जो क्यूब्स ऑलरेडी बने बनाए, मसलन आपने सीक्वल सर्वर एनालिसिस में क्यूब बना के रखा हुआ है वो आप इनपुट पे ले रहे हैं, ये फिर आपकी कनेक्टर लेयर है, ये डेटा लेयर है जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, ये इंजेक्शन की लेयर है बेसिकली, ये सारा इंजेक्शन के लिए है, टैबलू डेटा इंजन, एसक्यूएल कनेक्टर, एमडीएक्स कनेक्टर, ब्लॉक कनेक्टर, हडूप कनेक्टर, मोंगोडीबी कनेक्टर, अब वो सब चीज़ें आप इसमें कनेक्टर में डाल सकते हैं, ये आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एक्चुअली सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका गेटवे है जिसके थ्रू आप क्लाइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो गेटवे इज अ सॉफ्टवेयर विच इज मोस्टली कुड रिजाइड ऑन अ सेपरेट मशीन और नॉट, तो विच हेल्प्स यू कनेक्ट एंड देन पासिस द डेटा ऑन ऑनवर्ड्स, बाकी नेटवर्क वाले आपको उसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं, ये उनकी फिर मेन लेयर हो गई जिसके थ्रू वो सारी विजुलाइजेशन प्रोवाइड करें, आई थिंक दिस इज द वन एप्लीकेशन सर्वर जो है इसके अंदर वो सारे डिटेल कंपोनेंट्स होंगे जो कि टैबलू की सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर के किस तरीके से जो है ना वो होता है, ये रैपिड माइनर है, रैपिड माइनर में भी वही चीज है, ये आपका एक बड़ा मशहूर डेटा साइंस का टूल है और ये एकेडमिक लाइसेंस इसका फ्री मिलता है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आप मशीन लर्निंग में भी ट्राई कर सकते हैं, रैपिड माइनर का सर्वर है और रैपिड माइनर के क्लाइंट्स हैं और सर्वर के ऊपर ये बीच में ये सारी चीजें, वेब सर्विसेज, एग्जीक्यूशन इंजन, जॉब सर्विस, स्केड्यूलर वगैरह, ये देखें ये क्यूज बनी हुई हैं, ये क्यूज क्यों बनी हुई है, क्योंकि आपके पास रैपिड माइनर सर्वर अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आपके पास 400-500 बंदा ऑनलाइन बैठा हो, तो उनकी रिक्वेस्ट को क्यू में डाल के लाइन से सर्व किया जाता है ताकि कोई बंदा किसी चीज का नाजायज फायदा ना उठा सके, ठीक है, ये वो चीज है, तो मल्टीपल क्यूज है, ब्ला ब्ला ब्ला। हडूप का मैं आपको बता चुका हूँ, ये हडूप का अब हम ये बात इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने अपना जो बिग डेटा आर्किटेक्चर बनाना है वो हडूप की बेसिस पे बनाना है, ठीक है, तो हडूप का आप देख रहे हैं कि जो हडूप का क्लस्टर होगा वो वही नेटवर्क की टोपोलॉजी इस्तेमाल करेगा जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल इस स्लाइड के शुरू में दी है कि आपके पास स्विचेस होंगे, राउटर्स होंगे, रैक्स होंगे और ऑब्वियसली उसके ऊपर आपके पास डिफरेंट नोड्स के ऊपर हडूप डिप्लॉयड होगा, फॉल्ट टॉलरेंस होगी, ये हमारा बेसिक आर्किटेक्चर है जो कि किसी भी कंपनी में आपको चाहिए होगा अगर आप बिग डेटा का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम एक जगह के ऊपर तो हडूप आपको इस तरह से 4-5 या 10-15 पीसीज पे या 3 पीसीज के ऊपर आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, 3 सर्वर मशीन आमतौर पे काफी होती हैं। ये याहू जो है ना, ये हडूप का सबसे पहला क्लाइंट था, तो अब इनका आर्किटेक्चर हम बना तो नहीं सकते, आपके सामने है, ठीक है, ये डिफरेंट रैक्स होते हैं, तो ये याहू का, याहू में हडूप इस तरह चल रहा है, तो जितना भी सर्च इंजन का डेटा आ रहा है वो Hadoop के ऊपर ही SDFS पे जाके स्टोर होता है, क्रॉल डेटा जो है, और वहीं से फिर आगे वो उठा के एनालिसिस करते हैं। Hadoop का जो SDFS है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन करता है, मैनेजेस कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट, और ये मैं आपको मेरे ख्याल में ऑलरेडी पिछले कोर्स में बता चुका हूँ कि एक सेकेंड जरा, इफ यू कैन एक्सक्यूज मी, हाँ, तो ये मैंने आपको शायद बताया था कि हडूप के जो एक एक जो एक रैक के ऊपर एक स्विच लगा होगा जो कि दूसरे रैक से कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि स्विच का मकसद ही यही है कि वो दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाए, तो अब इसके अंदर ये हो सकता है कि एक रैक पे एक क्लस्टर चल रहा है हडूप पर ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर ये कि खैर क्लस्टर तो एक ही होता है लेकिन जो उसके हडूप के कॉम्पोनेंट्स है वो आप डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जैसे इन्होंने नेम नोड जो है, जो उसका मेन जो सर्वर होता है आप कह रहे हैं, वो इन्होंने यहाँ पर चलाया हुआ है और बाकी जो उस रैक के अंदर पीसीस पड़े हैं उसके वो डेटा नोड्स हैं, यानी वर्कर नोड्स हैं, और मैप रिड्यूस का काम करने के लिए वो टास्क ट्रैकर्स भी हैं, क्योंकि यही दो काम करते हैं कि आपका जो नोड है क्या कहते हैं, डेटा नोड आपका काम करने वाला होता है जिसपे आप प्रोसेसिंग करवाते हैं, मैप रिड्यूस हो गया, स्पार्क हो गया, कुछ भी हो गया, और टास्क ट्रैकर के थ्रू आप मैप रिड्यूस जॉब्स एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे में ये क्या है कि जॉब ट्रैकर वो है जो कि टास्क ट्रैकर्स का मैनेजर है और वो नेम नोड को ऑब्वियसली सारा फीडबैक वो दे रहा होता है और सारे टास्क ट्रैकर्स का उसको पता होता है कि वो कहाँ पर हैं, क्या किधर हैं, कौन से पीसीज पर हैं, कौन से रैक पर हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, वो यहाँ चला दिया आपने, और इसी तरह जितने भी आपने रैक्स बनाए हैं वो उस हर रैक के साथ एक उन्होंने स्विच लगाया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना वो आपके डाल सके थे, तो नेम नोड हो गया, आई डोंट नो कि सेकेंडरी नेम नोड अभी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अगर है तो वो आप किसी और पीसी के ऊपर चलवा सकते हैं सेकेंडरी नेम नोड, सही है, ये चीज क्लियर है भाई, ये तो आसान है ना जी, सो तो नहीं थे सारे सर,
तो सर बेसिकली हडूप तो बिल्कुल एक बिग डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के लिए एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, बिकॉज़ ऑलमोस्ट ज्यादातर काम कर लेता है उनके लिए। हडूप एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, हडूप डेटाबेस भी है और हडूप प्रोसेसर भी है, सब कुछ है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ डेटाबेस, लेकिन हडूप एक डेटाबेस भी है कि एक्चुअली वो सिर्फ ये नहीं कि सिस्टम का डेटा स्टोर करेगा, हडूप जो है वो एक्चुअल डेटा भी आपका स्टोर करेगा, जैसे कि कस्टमर का डेटा है। तो हडूप इज एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ रिगार्डिंग एनालिटिक्स। हडूप के ऊपर आप वेयर हाउसिंग भी आप कर सकते हैं, हडूप के ऊपर आप बीआई भी कर सकते हैं, हडूप डेटाबेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, हडूप के ऊपर आप अपना ऑफिशियल एज बेस्ड डेटाबेस बना सकते हैं, हडूप के ऊपर आप प्रोसेसिंग दो तरीके से करवा सकते हैं, स्पार्क के थ्रू और मैपरेड्यूस के थ्रू। यानी हडूप के पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आप दो तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये कि आप उसमें स्पार्क के थ्रू प्रोसेस करवा लें वो जल्दी हो जाएगा, दूसरा मैपरेड्यूस के थ्रू करवा लें बैच लेवल के ऊपर वो जो है वो आपका आराम से टाइम लगाएगा। ठीक है, तो हडूप पे ऑल इन ऑल पूरा सब कुछ सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आ रही है जी। तो ये आपका रैक वन हो गया, रैक वन का। और अब आपको रैक्स का मतलब समझ में आ गया कि क्या है। तो किसी भी बड़ी कंपनी में जाके ना आप इसको, अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो कभी विजिट करें जाके, फिर आपको मजा आएगा इन चीजों को समझने में। मैं तो आपको विजिट, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ईएफयू लाइफ में विजिट करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको फिर मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और पीछे पड़ना पड़ेगा मेरे, तो फिर आप जाके देख सकते हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। तो मेटा डेटा हो गया, ये हो गया, लॉग ऑप्स हो गए, मतलब ये एचडीएफएस का उन्होंने आर्किटेक्चर बताया है कि किस तरीके से वो चीजें, हडूप बहुत सारे काम कर रहा होता है, रेप्लिकेशन भी कर रहा है, बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दी, वो यही है। ठीक है, तो ये उसकी एक थोड़ी सी उन्होंने वो इन्होंने बताया हुआ है कि जो हडूप के ऊपर डिफरेंट डायरेक्टरीज वगैरह बनती हैं उस पर उन्होंने ये आपको करवाया हुआ है कि ये होम फूड डेटा, ये एचडीएफएस के ऊपर एक डायरेक्टरी बनी हुई बेसिकली, ये हडूप के ऊपर डायरेक्टरी आप बना सकते हैं, जैसा कि आप विंडोज पे फाइल्स बनाते हैं, डायरेक्टरीज बनाते हैं, फोल्डर्स बनाते हैं, इसी तरह आप हडूप के ऊपर भी फोल्डर्स बना सकते हैं। इट्स अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल टुगेदर, फाइल सिस्टम सॉरी। ठीक है, तो यस, हडूप इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, हडूप इज अ फाइल सिस्टम, हडूप इज अ temporary data storage, permanent data storage, Hadoop is also a processing paradigm and you can do all types of analytics on Hadoop including machine learning. सही है? That is why हम data lakes को Hadoop पे लाना चाहते हैं, क्योंकि Hadoop के अंदर सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहेंगे नहीं यार machine learning के लिए data lake में ये चीज़ यहाँ डाल दो, मतलब अगर आप data Hadoop पे नहीं डालेंगे तो data आपको 10-15 databases में या 4-5 databases में अलग से store करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बरक्स अगर आप सारा डेटा हडूप पे डाल दें डेटा लेक के जुमरे में और वहां से हडूप से उठा के फिर जो मर्जी करना है आप अपनी पाइपलाइन में उसके साथ करें, तो दैट मेक्स इट मोर मैनेजेबल। तो डेटा लेक के अंदर 4-5 डेटाबेसेस होना ये इजाजत तो है, लेकिन ये कि इट इज नॉट वेरी मैनेजेबल एज कम्पेयर टू हडूप। तो ये मैंने अभी थोड़ा सा रिसेंटली सर्वे किया था कि डेटा लेक है तो हडूप है। ठीक है, अगर डेटा लेक बनानी है तो वो हडूप ही उसके लिए इस वक्त बेस्ट फिट बेड बनती है। बाकी अगर आप लोग कोई दूसरी चीज डिस्कवर करके लाते हैं वो एक अलग बात है। ठीक है, तो जब डेटा हडूप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम उसको मैप रिड्यूस के थ्रू उसको हम क्या कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गई ना सबको भाई, दिस इज क्लियर राइट? या ये भी क्लियर नहीं है? जी फोल्डर्स बना सकता हूँ, डायरेक्टरीज बना सकता हूँ और फाइलें स्टोर कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एचडीएफएस, हडूप फाइल सिस्टम। अब उसको मैंने प्रोसेस करवाना है, काम करवाना है उसके ऊपर, तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या मैं मैप रिड्यूस का कोड लिख के काम करवा लूं या फिर मैं स्पार्क के थ्रू करवा लूं। हमारी टेंडेंसी स्पार्क पे होती है क्योंकि वो स्पार्क जो है ना वो डेटा फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट यूज करता है और इट इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू मैपरेड्यूस, दैट्स इट। ये वो ये उस चीज के लिए है कि अगर मैंने हडूप के ऊपर बेसिक काम करवाना है, जैसे कोई टोटल कंप्यूट करवाना है, अगर मैंने हडूप डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग करवानी है तो फिर मैं क्या करूंगा भाई,
शाबाश जल्दी जल्दी जी अमार जी सर, अगर ये हडूप डेटा के ऊपर मैंने मशीन लर्निंग करनी है तो मैं किस तरह करूंगा उसको? अगर मशीन लर्निंग आपको हडूप में डायरेक्टली अप्लाई करनी है, भाई मैंने डेटा हडूप पे डाल, ये मेरी डेटा लेक है, ठीक है, ये मेरी डेटा लेक है जिससे मैंने हडूप के ऊपर अपना सारा डेटा डाला हुआ है एक क्लस्टर के ऊपर। अब मैंने इस डेटा पे मशीन लर्निंग करनी है तो मैं क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल कर सकता हूँ? डेटा पाइपलाइन। भाई पाइपलाइन तो आपको बनानी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस्तेमाल कर, मशीन लर्निंग करने के लिए कौन सा टूल है हडूप डेटा के ऊपर? लर्निंग के लिए टूल हडूप के ऊपर कौन सा टूल था मशीन लर्निंग का, मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, हमने पढ़ा था इसके बारे में रिमेंबर। हां तो ये देख रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं, उसका नाम है माहूट। माहूट और इसमें मॉडल बना के ऑटोमेट फिर हो जाता है, फिर हर कोई डेटा जो प्रोसेस होती है डायरेक्टली इस पर अप्लाई हो जाती है जी। और इसको समसारा भी कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसका मेरा ख्याल में कोई वर्जन है जिसको हम समसारा भी कहते हैं। और अगर मैंने स्पार्क के थ्रू करानी है, ये तो मैप रिड्यूस पे चलेगा, बैच लेवल पे मशीन लर्निंग करके देगा, टाइम लेगा। अगर मैंने स्पार्क के थ्रू मशीन लर्निंग करनी है तो क्या यूज करूंगा मैं? MLlib, हडूप मशीन लर्निंग, स्पार्क की मशीन लर्निंग लाइब्रेरी MLlib। ये स्पार्क के कॉन्सेप्ट को, स्पार्क की टेक्नोलॉजी को यूज करके मशीन लर्निंग करके देगा। और इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, इसके अंदर कुछ मसाइल भी हैं, लेकिन इस पर ओवरऑल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो ये अच्छा चलता है, मतलब ये गुजारा करा देगा आपका। बिग डेटा में मशीन लर्निंग करने के दो टूल्स हैं, माहूट और MLlib। हमारी प्रेफरेंस MLlib की होगी। अगर आपने सिंपल बिग डेटा प्रोसेसिंग करवानी है, जैसे टोटल्स कंप्यूट करवाने हैं, तो उसमें भी हमारे पास वही दो ऑप्शन है, मैप रिड्यूस और स्पार्क, लेकिन हमारी कोशिश होती है स्पार्क। मैप रिड्यूस हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास किसी वजह से हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, ठीक है? सर नया कौन सा है, ये स्पार्क के माहूट, व्हिच वन इज न्यू? सॉरी दादा, लेटेस्ट कौन सा है, स्पार्क के वो माहूट? लेटेस्ट तो स्पार्क है, लेकिन स्पार्क भी तकरीबन 10 साल पुराना हो चुका है भाई, ठीक है? और हडूप जो है वो तकरीबन आप कह रहे हैं 14 साल पुराना हो गया, तो इतने ज्यादा पुराने नहीं है ये। हाँ, ये हडूप का मशीन लर्निंग का जो आया है वो मेरा ख्याल में 2015 तक आया है शायद, और स्पार्क का जो MLlib आया वो भी इतने ही टाइम पर आया होगा, तो ये दोनों पुराने नहीं है, दोनों बराबर के ही है, ठीक है? आप देखें, आप एक बात को समझ लें कि स्पार्क वाले जो है ना वो बेसिकली चाहते ये हैं कि आप सारी चीजें हमारी इस्तेमाल करें, वेयर हाउसिंग भी आप हमारे स्पार्क के थ्रू करें और मशीन लर्निंग भी आप MLlib के थ्रू करें, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग भी आप हमारे थ्रू करें स्पार्क स्ट्रीमिंग के थ्रू, लेकिन सहारा उनको हडूप का चाहिए, क्योंकि हडूप का क्लस्टर होता है तो फिर स्पार्क चलता है, आमतौर पे सेटिंग तो यही होती है इसकी, सही है? समझ में आ गई बात की? तो इसलिए आइडियल कॉम्बिनेशन ये है कि पहले आप हडूप इंस्टॉल कर दें, अपना क्लस्टर बना लें, और प्रोसेसिंग के लिए जितने काम आपने करवाने हैं, क्वेरी करवानी है, टोटल्स कंप्यूट करवाने हैं, वेयर हाउसिंग करवानी है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या कुछ करवाना है, वो सारे काम प्रोसेसिंग के, एनालिसिस के, वो आप स्पार्क के थ्रू करवा लें तो बेहतर है। हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको हडूप पर ही शायद करने पड़े, सही है? ये मैंने आपको बताया था मैप रिड्यूस किस तरह चलता है। तो मैंने कहा था कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, मैपिंग और रिड्यूसिंग, और बीच में हम शफलिंग और सॉर्टिंग करते हैं। अब क्या हुआ, ये इसका मैंने वर्ड काउंट करना है, पहले मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो मैंने हर सेंटेंस को अलग अलग कर लिया, ठीक है? जो भी मेरे पास सेंटेंसेस थे लाइन ब्रेक्स के साथ, उसको मैंने अलग अलग कर लिया, फिर मैंने उसकी मैपिंग की, आई जस्ट मेड दीज पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स, वेलकम एक दफा आया, टू एक दफा आया, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नोड्स के ऊपर ये टास्क ट्रैकर आपका ये काम कर रहे हैं, ठीक है? फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसकी सॉर्टिंग की,
सॉर्टिंग की और शफल किया, शफल मतलब इस तरह शफल किया कि सॉर्टिंग भी हो जाए, ठीक है। तो मैंने पहले हर एक की अपनी सॉर्टिंग की और फिर इस तरह से उसकी शफलिंग की कि वो पूरा का पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया मेरे पास। ये सारे बैड बी एक जगह पे आ गए, सी एक जगह पे आ गए, जी एच देखें अब H1 और H1 वो तीनों एक जगह पे जमा हो गए। तो इसको शफलिंग कह लें आप। शफलिंग के अंदर मैंने बेसिकली पहले सॉर्टिंग भी की है, तो शफलिंग मैंने इस तरह से की कि ये सारा अल्फाबेटिकल में आ गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस क्या किया, सिंपली ऐड कर दिया, बच्चों वाली कहानी इसको ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, बाकी तो बन बन ही रहे। और फिर सबको मैंने इंटीग्रेट करके एक ही जगह पे डिस्प्ले कर दिया, खत्म, कॉन्कैटिनेट करके रिजल्ट दिखा दी, दैट इज माय रिड्यूस। इस तरह कोई भी काम करना होगा उसके लिए आपको मैपिंग और रिड्यूस का कोड लिखना होगा, तो फिर आपका आराम से बाकी सब चीजें मैनेज हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा डेटा कहाँ पड़ा है, वो सारा का सारा काम HDFS संभालेगा। ये जो शफलिंग वाला काम है और मैपिंग और रिड्यूसिंग वाला काम है, वो सारा का सारा काम HDFS आराम से संभाल लेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ मैपिंग का उसको कोड बताना है और रिड्यूसिंग का कोड लिखना है। तो अब ये जो आपकी माहूट API है, माहूट, ये जो माहूट की API है, माहूट की जो API है वो बेसिकली मशीन लर्निंग करती है मैप रिड्यूस कोड्स के थ्रू। समझ में आ गई बात की? मतलब मैंने डिसीजन ट्री बनाना है, मैंने के नियरेस्ट नेबर लगाना है। अब उसके लिए मुझे मैप रिड्यूस का कोड लिखना पड़ेगा, तो वो माहूट के अंदर वो मैप रिड्यूस का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं उसमें क्या हो रहा है। क्योंकि हडूप को सिर्फ दो चीजें समझ में आती हैं, एक तो मैप रिड्यूस समझ में आता है, दूसरा उसको स्पार्क समझ में आता है, बाकी उसको कोई चीज समझ में नहीं आती। ठीक है, समझ में आ गई बात की? ये क्या है, ये मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर है। क्लाइंट प्रोग्राम आप हैं, आप उसको एक मैप रिड्यूस जॉब देंगे। जॉब जो है मैप रिड्यूस के, जॉब का मतलब क्या है, मैप और रिड्यूस का कोड लिख के आप हडूप को देंगे। वो कोड जॉब ट्रैकर के पास आएगा। जॉब ट्रैकर के पास बहुत सारा मेटा डेटा होता है कि टास्क ट्रैकर के बारे में, कि कौन सा टास्क ट्रैकर किस नोड पे किस रैक में चल रहा है। जॉब ट्रैकर फिर अपने आपके काम को तकसीम करेगा। तकसीम कैसे करेगा, वो दो किस्म की चीजें बनाएगा। एक मैपिंग के टास्क क्रिएट करेगा, M1, M2, M3, M4 टू ऑल द वे अप टू M1000, M5000, और दूसरा वो रिड्यूसिंग के टास्क क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पहले जो डेटा जिस दिन नोट्स पे पड़ा हुआ है उनकी मैपिंग शुरू हो जाएगी, टास्क ट्रैकर मैपिंग शुरू कर देंगे, उसके बाद टास्क ट्रैकर जो है रिडक्शन शुरू कर देंगे। बीच में ही यहाँ पे कहीं शफलिंग भी हो जाएगी। तो कितनी लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, एक मैपिंग की लेयर हो गई, बीच में एक छोटी सी शफलिंग की लेयर हो गई, एक रिडक्शन की लेयर हो गई और एक आउटपुट की लेयर हो गई, खत्म। ये उसका आर्किटेक्चर है और ये आर्किटेक्चर उन्हें बनाया हुआ है। जो भी आप जॉब यहाँ पे देते हैं वो जॉब इसी आर्किटेक्चर से गुजर के आपको आउटपुट नजर आ जाता है। अगर ये पाइपलाइन ना बनी होती तो वो मैप रिड्यूस इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते थे। आगे समझ में? ये स्पार्क का आर्किटेक्चर है। स्पार्क में मैंने आपको बताया था कि स्पार्क का जो कोर है वो डेटा फ्रेम्स और RDDs है। ठीक है, ये अब आपकी डेटा फ्रेम्स की API आ रही है। ये स्पार्क के, अब ये बड़ी अजीब तरीके से बनी हुई है। स्पार्क जो है ना वो एक तो स्टैंड अलोन वर्जन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यू हैव अ स्टैंड अलोन वर्जन। जान जो है ना वो हडूप का जो रिसोर्स नेविगेटर है उसको इस्तेमाल करता है, मैंने आपको बताया था। मेसोस जो है ना वो, मेसोस क्या चीज है बता सकते हैं कोई? आई थिंक इट्स अ डेटा वेयर हाउस ओवर हडूप। जी अपाची मेसोस, आज बच्चे कम क्यों है वैसे, बता सकते हैं? सर ये कंप्यूटर क्लस्टर मैनेज करने के लिए होता है मेसोस। 25
कंप्यूटर क्लस्टर मैनेज करते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा यार, लेट मी जस्ट चेक। हम 10 बच्चे abstract CPU हाँ manage the clusters, it's like maybe zookeeper। Maybe वो zookeeper की तरह हो। बहरहाल ये मुझे ये बात अभी पक्की पता नहीं है कि Spark के अंदर ये कितना इस्तेमाल हो रहा है। Let me just write this down। बहरहाल ये मेन जो चीज़ है ना उसकी, एक तो डेटा फ्रेम्स की API है और ये कोर है जो कि RDDs पे बिल्डअप है। ये वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये उसके डिफरेंट लेयर्स हैं। मशीन लर्निंग ये ग्राफिकल डेटा के लिए, जैसे सोशल नेटवर्क का डेटा है, अगर आपने स्पार्क के ऊपर SQL बेस्ड पे कोई काम करना है तो स्पार्क SQL है, स्ट्रीमिंग करना है तो ये चारों काम आप कर सकते हैं फ्रंट एंड पे। और जो लैंग्वेज है स्पार्क को इस्तेमाल करने के लिए, वो सारी लैंग्वेजेस में आप स्पार्क यूज कर सकते हैं। और प्रॉब्ली आप C++ पे भी, पाइथन के अंदर तो आप C++ कोड भी लिख सकते हैं, आपको पता है ना सी पाइथन के थ्रू आप पाइथन के अंदर C++ कोड भी लिख सकते हैं। तो C++ और C भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज ऑल दीज लैंग्वेजेस एंड यू हैव दीज फंक्शनैलिटीज विच इज यूजिंग डेटा फ्रेम्स एंड स्पार्क कोड। और बैक एंड के ऊपर जो है ना वो हडूप का यान यूज कर रहा है और मेसोस फॉर क्लस्टर मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहा है, और ये उसका एक स्टैंड अलोन एक वर्जन है जो कि यूज हो रहा है। ठीक है, स्टैंड अलोन मतलब जो एक ही सिंगल नोड के ऊपर जब स्पार्क चलेगा ये वो। तो अभी लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, और जस्ट ट्राई टू डाइजेस्ट दिस इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बताई है, देन वी विल गेट बैक टू द अदर स्टफ। सही है इंशाल्लाह। ठीक है, आवर क्लास रिज्यूम्स व्हेन सर, व्हिच टाइम? अरे हमारी कौन सी टाइम पे क्लास रिज्यूम होगी? ये 10 मिनट में इंशाल्लाह। तो 11:40 पे हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद तो यही है, इतना प्रिसाइसली तो मैं नहीं कह सकता, वो असल में हम खुदा के लेवल पे ऑपरेट थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, एक दो मिनट तो आगे पीछे हो ही जाएगा, लेकिन या यू कैन टेक दैट एज द टाइम, या 11:40 समथिंग लाइक दैट। वैसे हम जब आप लोग वहाँ पढ़ते हैं ना IBA में, तो IBA में तो 15 से 20 मिनट से कम का ब्रेक होता नहीं है, चाय भी पी जाती है, गपशप लगती है। यहाँ तो बहुत ही अग्रेसिव किस्म की क्लास होती है। चले ठीक है, ओके मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो आई होप द बेसिक स्टफ इज नाउ क्लियर, वी हैव लेड अ गुड फाउंडेशन नाउ। सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस थिंग्स। इसमें डेटा गवर्नेंस के बारे में भी हम बात करेंगे, यू नीड टू बी वेरी फास्ट इन थिंकिंग। डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, स्टेक होल्डर्स आर इम्पॉर्टेंट, डिसीजंस कौन से लिए जाएंगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। उसी से आपका आर्किटेक्चर इवॉल्व करेगा, ये मेन चीज है जो आपको समझनी है। ठीक है, डिलीवरेबल्स, दीज आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर जो कि आपको थोड़ा सा आप उसके बारे में सोच सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा अपनी सोच को, यू हैव टू मेक इट अ बिट डिफरेंट। लेट मी जस्ट स्टार्ट दिस, राइट, ये इसमें आप दो तीन बातें बस समझ लें कि जब भी आर्किटेक्चर बिग डेटा का बनाया जाएगा तो उसका ताल्लुक वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू है टू द डेटा गवर्नेंस प्रोसेस। डेटा गवर्नेंस क्या है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। बेसिकली एवरीथिंग दैट हैपेंस टू द डेटा इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ पॉलिसी। सही है, तो दैट इज बेसिकली डेटा गवर्नेंस, और वो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है, लेकिन हम उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सकते। ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू इज के जो बिग डेटा का जो आर्किटेक्चर हम बना रहे हैं, चाहे जीटा है, लेमडा है, कापा है, तो इट नीड्स टू बी गाइडेड बाय अ प्रॉब्लम एंड डेटा गवर्नेंस प्रोसेस। क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर आपको पॉलिसीज चाहिए होती हैं, आर्किटेक्चर के अंदर यू गॉट सम मास्टर डेटा, सम नॉन मास्टर डेटा, आर्किटेक्चर के अंदर आपके पास डेटा फ्लोज और कंट्रोल फ्लोज होते हैं, आर्किटेक्चर में आपके पास डेटाबेसेस होते हैं, डेटाबेसेस में जो डेटा है उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है,
आपके पास एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स होते हैं जो डेटा लेक्स में इस्तेमाल होंगे या स्टेजिंग एरिया में इस्तेमाल होंगे. ऑब्वियसली देयर आर सम स्टैंडर्ड्स जो कि आप फॉलो करते हैं. इसी तरह ये भी उसी चीज के बाद हमने कर ली है. एंड यू हैव द मेटा डेटा एंड यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इनपुट डेटा सेट्स. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अ डेटा आर्किटेक्चर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द डेटा गवर्नेंस इनिशिएटिव. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझना जरूरी है कि डेटा गवर्नेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है. अगर आपकी कंपनी में डेटा गवर्नेंस है देन यू विल एंड अप डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर वेरी क्विकली. लेकिन अगर यू आर नॉट फॉलोइंग एनी डेटा गवर्नेंस इनिशिएटिव देन अनफॉर्चुनेटली यू विल हैव अ टफ टाइम इन डिजाइनिंग द आर्किटेक्चर और इन इंटीग्रेटिंग एनी आर्किटेक्चर इन योर करंट सिस्टम. अगर डेटा गवर्नेंस है तो ये सब काम करना आसान हो जाएंगे, नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा. डेटा आर्किटेक्चर इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक, हर चीज उसके अंदर शामिल नहीं होती. इट इज ओन्ड बाय एवरीबॉडी, दैट इज व्हाई इट इज रिलेटेड टू डेटा गवर्नेंस. डेटा गवर्नेंस ये कहती है कि आईटी वालों की इस पे से नहीं है, से हम सब की है. इट इज नॉट अ शॉपिंग लिस्ट कि ये काम करवाना है तो फला आर्किटेक्चर इस्तेमाल कर लो. इट इज मैनेज्ड बाय द CIOs एंड सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स, नॉट जस्ट बाय द मिडिल मैनेजर्स. It is not something which is extremely complicated, right? के आप उसको इतना मुश्किल कर दें कि समझने की मुसीबत बन रही हो. It is not a set of aspirations के अच्छा यार ये करके देख लेते हैं, let's be hopeful about this, पागलपने की बात है. ठीक है, immediate benefits अगर नहीं है तो just scrap it away. Obviously इतना पैसा खर्च किया है तो क्या फायदा. और it is unchanging, absolutely not. It keeps on changing all the time, and that is why the architecture, जो कि Zeta की मैंने आपको बात की थी, जो कि पूरा का पूरा आपका Docker के ऊपर चल रहा है और Zeta based architecture है, so that makes it convenient to do all of these things. That makes it convenient to do all of these things. तो ये mindset आपने develop करना है कि architecture क्या है और architecture क्या नहीं है. ठीक है, ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं. ये सारी चीजें आपकी आर्किटेक्चर से पूरी होती हैं. अलाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, पीपल प्रोसेस पॉलिसीज, ये गवर्नेंसेस का ताल्लुक है. ठीक है, डेटा को कैसे इस्तेमाल करना है, एनालिटिक्स कैसे करना है, देखिए इसके अंदर सब चीजें आपकी आ रही हैं. ठीक है, ये सारी आपकी डेटा लेक लेवल पे चीजें आ जाती हैं, ये आपकी डेटा स्टोरेज में आ जाती हैं. मतलब इसका ताल्लुक वो एनालिसिस पाइपलाइन के साथ है, इसका ताल्लुक डेटा लेक के साथ है, इसका ताल्लुक भी एनालिसिस पाइपलाइन के साथ है. ये गवर्नेंस की लेयर आप एक अलग इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये फिर आपकी फ्रंट एंड लेयर है, जैसा आप उसको देखना चाहें. ठीक है, तो ये कहानी चल रही है तो आपको इन चीज़ों का अच्छे तरीके से अंदाजा होना चाहिए. ठीक है, इनके दरमियान इंटरडिपेंडेंसी क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है. बिजनेस की स्ट्रेटजी हर जगह पर होती है, वहाँ से आप एक डेटा स्ट्रेटजी बनाते हैं यूजिंग डेटा गवर्नेंस आइडियली. ठीक है, वहाँ से फिर आप एक डेटा आर्किटेक्चर करते हैं जो कि आपकी डेटा स्ट्रेटजी को सपोर्ट करता है, और इन सारे फीडबैक के थ्रू फिर आप अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करते हैं, क्योंकि एनालिटिक्स आएगा तो बिजनेस स्ट्रेटजीज आपकी चेंज होगी. तो ये आपका पूरा एक मॉडल चल रहा होता है. ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. ये डिजिटल लैंडस्केप का नया बिजनेस आ गया, सेल्फ सर्विस BI हो गया, बाय योर ओन, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, अपाची स्पार्क, नॉट ओनली SQL, Hadoop, ये हमारा मेन सारा गेम इसी तरह हमारा चलेगा. ठीक है, और ये सब चीजें अब आपको पता चल चुकी हैं क्या है. डेटा प्लेटफॉर्म्स, इन चीजों का हमें थोड़ा सा अंदाजा है, कुछ सर्वे है, थोड़ा सा पुराना हो गया, ये 2-3 साल पुराना हो गया, लेकिन डेटा प्लेटफॉर्म्स के अंदर आप देख रहे हैं कि हमें जो काम की चीज है वो माइक्रो सर्विसेज हैं, जो कि डॉकर है हमारे पास, जो कि चौथे नंबर के ऊपर, यानी चौथे नंबर पर तो खैर नहीं आ रहा, तो काफी नीचे आ रहा है, लेकिन ऑन प्रेम नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली जो सारी चीज़ें बिग डेटा के जुमरे में नहीं समझी जाती हैं, लेकिन फिर भी उसका एक से बनता है. इसी तरह बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, Hadoop वगैरह हो गया, इनका भी एक से बन रहा है. NoSQL का से, अब तो खैर NoSQL का तो उन्होंने पूरा कैटेगराइज तीन अलग में तोड़ दिया ना उन्होंने. ओवरऑल आप ये तीनों का देखें तो आपको अच्छा खासा से नज़र आ रहा है. ग्राफ डेटाबेस भी NoSQL कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, टाइम सीरीज इतने ज़्यादा नहीं आते, लेकिन IoT वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं. ओपन डेटा देख लें, IoT डेटा देख लें, मीडिया की फाइल्स देख लें, ये सारी आप उस पर Hadoop पे, NoSQL पे स्टोर कर सकते हैं. सोशल मीडिया हो गया,
तो इन सब की जो से है वो बढ़ती चली जा रही है। लेगेसी सिस्टम्स की से कम हो रही है, वैसे तो वो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन बिग डेटा के लिए बेहतर है अब अपना पूरा ओपन सोर्स का प्लेटफॉर्म अलग से बना ले। ठीक है, ये हो गया। और बिजनेस ड्राइवर्स फॉर डेटा आर्किटेक्चर, तो बिजनेस ड्राइवर्स क्या है, आप देख रहे हैं कि बिग डेटा यूज केसेस का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है और आप देख रहे हैं कि डेटा गवर्नेंस की बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। डेटा गवर्नेंस की वजह से ही बिग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना अब आपकी एक जरूरत बन गई है, बीआई के लिए आपकी जरूरत बन चुकी है कि आपके पास जब तक आर्किटेक्चर नहीं होगा नहीं कर सकेंगे। एंड ऑब्वियसली एवरीथिंग रिलेटेड टू एनालिटिक्स इज ऑल्सो देयर, डिजिटल बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर बहुत सारे लोग वर्कशॉप्स वगैरह करवा रहे हैं, ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्लाउड भी इसके अंदर आ रहा है। तो अब आप बेसिकली रह नहीं सकते उसके बगैर, ये सारी चीज़ें सर्वेस से हमारी प्रूव हो चुकी हैं। ठीक है, डेटा क्वालिटी की शेप बहुत ही बेकार है और बिग डेटा के अंदर आपको तकरीबन 80% एफर्ट डेटा रैंगलिंग पे लगाना पड़ता है और कुछ केसेस में मैं ये कहूँगा कि 90%। तो इस चीज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाएं कि डेटा लेक की लेयर से आपने आगे रैंगलिंग की लेयर के ऊपर उसको लेकर जाना है, तो 80-90% एफर्ट आपका रैंगलिंग का होगा। ठीक है, बिग डेटा एक बहुत ग्रोइंग ट्रेंड है, किन यूज केसेस के लिए बिग डेटा इस्तेमाल हो रहा है, डेटा साइंस एंड डिस्कवरी, रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स, सैंडबॉक्स एक्सप्लोरेशन एंड टेस्टिंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, तो चीज़ें इसकी बढ़ती चली जा रही है। आप इसमें देख रहे हैं कि करंट स्टेट ऑफ डेटा एंड डिजिटल बिजनेस के अंदर बिग डेटा लेक्स एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आ रहा है, डिजिटाइजेशन है, सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स है जो कि आप लोग कर रहे हैं अब काफ़ी देर से, और डेटा क्वालिटी ऑफ एनालिटिक्स है जो कि मैंने आपको रैंगलिंग में अच्छी तरह समझा दी थी कि ये प्रॉब्लम आप यहाँ देख लें कि ओनली 3% ऑफ कंपनीज डेटा मीट्स द बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड, उसकी वजह यह है कि रैंगलिंग नहीं करते वो। ये प्रूफ है उस बात का जो मैंने आपको बताया था कि रैंगलिंग करो। ठीक है, और ये एनालिटिक्स डेटा क्वालिटी आप देख रहे हैं कि लीस्ट फेवरेट टास्क है लेकिन इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, ये अब एक मसला है जो कि आपको करना है, फायर फाइटिंग टू फायर प्रिवेंशन। तो डेटा गवर्नेंस में क्या चीज़ होती है मैंने आपको बेसिकली बता दी है कि पॉलिसीज बनानी है जिससे डेटा की सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, सिक्योरिटी, स्टोरेज, इंजेशन, एनालिटिक्स, स्टेजिंग एरिया, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ उसके अंदर वो आ जाए। तो इसमें आपका क्या होता है, इम्प्रूविंग डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल डेटा स्टेक होल्डर, जो कि सारी कंपनी में चीज़ें आ रही थी। ठीक है, ये आपकी कुछ चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, ये कुछ उसके स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू जो डेटा गवर्नेंस के हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, बेस लाइन स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू उसकी जस्टिफिकेशन हमें मिलती है। HIPAA जो है ना वो मेडिकल वालों का है, GDPR इज द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसकी वजह से अब हमें गवर्नेंस करनी पड़ रही है। ऑक्सली एक्ट भी है और इट मेक्स श्योर डेटा इज अवेलेबल, यूजेबल, कंसिस्टेंट, इंटीग्रेटेड, सिक्योर एंड अकाउंटेबल। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी मच फिक्स्ड। और ये उसके कुछ थोड़े से बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पता चल जाते हैं, कंसिस्टेंसी पता चल जाती है, फाइंस, रेगुलेटरी फाइंस आपको नहीं होंगे अगर गवर्नेंस करेंगे, सिक्योरिटी अच्छी हो गई, इनकम जनरेशन पोटेंशियल डेटा, यानी डेटा को मोनेटाइज किया जा सकता है, अकाउंटेबिलिटी आ जाती है डेटा के अंदर, बेटर प्लानिंग, रीवर्क खत्म हो जाता है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मास्टर डेटा का आपको पता ही है, मास्टर डेटा बेसिकली वो डेटा है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा, इट्स ऑलवेज क्लीन, इट्स ऑलवेज अप टू डेट, और उसको हमें उस फॉर्मेट में रखना इंतहाई जरूरी है। तो उसके लिए आपको आर्किटेक्चर चाहिए और डेटा गवर्नेंस चाहिए। डेटा गवर्नेंस इज बेसिकली द रीजन वी आर डूइंग द बिग डेटा आर्किटेक्चर, आप ये समझ लें। और डेटा गवर्नेंस क्यों कर रहे हैं, वो रेगुलेशंस की वजह से बेसिकली करें, वरना हमें कोई भी टेंशन नहीं है उसकी। रेगुलेशंस को कंप्लाई करने के लिए गवर्नेंस करते हैं, उसके लिए हम आर्किटेक्चर बनाएंगे। वैसे किसी को इतना शौक नहीं आता क्योंकि मुश्किल काम है। तो इसमें गवर्नेंस के अंदर ना डेटा स्टेवर्ड्स होते हैं, स्टेवर्ड्स बेसिकली इंश्योर करते हैं कि सारे लोग गवर्नेंस के ऊपर चल रहे हैं, सारे लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सारे लोग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो ऊपर के लेवल पे जाके फीडबैक्स देते रहते हैं, ये वो बेसिकली इंश्योर करते हैं। स्टेवर्ड्स की पूरी टीम होती है और इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, कोई अभी मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन बेसिकली उनको स्टेवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी डेटा गवर्नेंस की काउंसिल होती है, इसमें काउंसिल के अंदर जो है वो सारे सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और CIO जो BOGs वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ होते हैं, और नीचे जो वर्कर्स हैं उसमें सीनियर डेटा स्टेवर्ड्स होते हैं और यहाँ पे जूनियर डेटा स्टेवर्ड्स होते हैं, फिर डेटा कस्टोडियंस होते हैं, डेटा क्वालिटी चेकर्स होते हैं, वट एवर, जैसे भी आप अपनी टीम बनाना चाहें।
तो ये टीम अलग से हायर की जाती है और पूरी कंपनी में ये लोग काम करते हैं। ये भी किया जाता है कि भाई आईटी वालों को ही ये काम दे दिया जाता है, लेकिन वो इतना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है अनलेस के वो खुद और बंदे हायर करें। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अब आप वही सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। उससे ये डेटा गवर्नेंस का आर्किटेक्चर है जिसके अंदर ये सारे काम आपके होते हैं। तो हमने बेसिकली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों के ऊपर हमने आर्किटेक्चर डिजाइन करना है। हमें मेटा डेटा का ख्याल रखना है, हमें मास्टर डेटा का ख्याल रखना है, ठीक है, हमें कंटेंट मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, सिक्योरिटी का ख्याल रखना है, हमें रैंगलिंग का ख्याल रखना है, हमें बीआई एनालिटिक्स का ख्याल रखना है। ये सब चीज़ों को इसकी बेस के ऊपर हमने अपना आर्किटेक्चर बनाना है। तो मास्टर डेटा मेटा डेटा तो हमें पता है, ये कंटेंट मैनेजमेंट वगैरह ये एक अलग चीज़ होती है, इसके लिए हम एक अलग लेयर बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग जो कि हमें अपने जहन में बात रखनी चाहिए। ये की एसेट्स हैं, इसको बहुत तफसील में देखने की जरूरत नहीं है, पर जो मैंने आपको बेसिक एक फार्मूला बताया ना उसको बस याद रखें। ठीक है, कि मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा की ओनरशिप आप कबूल करें, ये मेरा डेटा है, मैं इसका जिम्मेदार हूँ, जो कि हमारे यहाँ जरा कम ही लोग इस तरह का जहन रखते हैं ताकि मुझे उसका हिसाब किताब ना देना पड़े। तो डेटा गवर्नेंस जो है ना वो आपको बेसिकली कहते हैं भाई ये तुम कस्टमर के डेटा के तुम जिम्मेदार हो, उसका एनालिसिस करके दो, एनालिसिस करके मुझे दो। ठीक है, तो ये डेटा का ओनर कौन है? तो इसलिए उन्होंने स्टेवर्ड्स को क्रिएट किया कि स्टेवर्ड्स पे डेटा की ना ओनरशिप ले लेते हैं कि भाई हम जिम्मेदार हैं, हम इसका आपको काम करवा के देंगे। ऑल्दो वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स नहीं होते, लेकिन वो इंश्योर करवाते हैं कि सारी पॉलिसीज आपकी इंप्लीमेंट हो जाए। तो डेटा ओनर्स की अकाउंटेबिलिटी वगैरह ये सब चीज़ें आपकी डेटा गवर्नेंस के अंदर आ जाती हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डेटा गवर्नेंस के थ्रू ये सारा चीज़ें आपकी होती हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द आर्किटेक्चर? अब यहाँ पे कहानी जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। अगर गवर्नेंस कर रहे हैं तो फिर तो आपकी टेंशन ख़त्म है। फिर डेटा गवर्नेंस का एक मेन ऑफिसर होता है जिसके अंडर सारे स्टेवर्ड्स काम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली एक गवर्नेंस के इनिशिएटिव को लीड करता है, वो CIO भी हो सकता है। अब ये उसकी टेंशन है कि बिग डेटा का आर्किटेक्चर भी उसी ने बनवाना है, क्योंकि गवर्नेंस का उसको पता है कि गवर्नेंस किस तरह करते हैं, तो आर्किटेक्चर को भी वही लीड कर सकता है या गाइड करवा सकता है। ठीक है, बहरहाल डेटा आर्किटेक्चर के अंदर डेटा साइंटिस्ट का भी रोल होगा, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो बंदा है जो आपके ज्यादा इंटरेक्शन के काबिल है वो डेटा गवर्नेंस ऑफिसर होगा, क्योंकि आपने गवर्नेंस के अम्ब्रेला के अंडर अपना आर्किटेक्चर बनाना है, तो आपको सबसे ज्यादा इससे इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट अ पोस्ट जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है। प्रोग्राम मैनेजर भी हमारे यहाँ हो सकता है, बशर्ते ये कि उसको गवर्नेंस का नॉलेज हो। बिजनेस स्टेक होल्डर इज नॉट गोइंग टू डिजाइन द आर्किटेक्चर फॉर अस। डेटाबेस डिवेलर बिल्कुल भी नहीं, डेटा साइंटिस्ट का बीच में हाथ होगा। DBA का यू विल गेट द नॉलेज फ्रॉम दिस गाय बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। प्रोग्रामर को भी आप इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम्स डेवलपर को भी आप इस्तेमाल करेंगे, बिजनेस आर्किटेक्ट एब्सोल्युटली यस, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट एब्सोल्युटली यस, डेटा मॉडलर आप इनको इस्तेमाल, डेटा आर्किटेक्ट एब्सोल्युटली यस, डोंट नो ये। तो आप देख रहे हैं कि डेटा आर्किटेक्ट, डेटा मॉडलर, बिजनेस आर्किटेक्ट ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। डेटा गवर्नेंस ऑफिसर ऑब्वियसली मेरे नज़दीक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डेटा गवर्नेंस ऑफिसर है, जिसका से होना चाहिए उन सारे कामों के अंदर। बाकी आप देख रहे हैं कि वो आपके अपने हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से है कि कौन कितनी जिम्मेदारी लेता है, तो इतना आसान काम ये है नहीं। इसको हमें इतना तफसीली अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें कि इनका आपस में, मैंने आपको इनका आपस में एक लॉजिकल लिंक समझा दिया है कि गवर्नेंस इनिशिएटिव हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने कंप्लायंसेस करनी होती है। ठीक है, हमें कंप्लायंसेस जनरेट, कंप्लायंस के साथ चलना होता है, अदरवाइज हमारी कंपनी जो है ना वो डिफॉल्ट में चली जाएगी और इंटरनेशनल लेवल पे वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गवर्नेंस करने के लिए अगर आप तरीके से गवर्नेंस करना चाहते हैं तो उसके बिग डेटा अगर आपके पास है तो आप आर्किटेक्चर के बिना गवर्नेंस नहीं कर सकेंगे। आर्किटेक्चर आपकी मजबूरी बन गई अगर आपने बिग डेटा पे गवर्नेंस करनी है, पर ये आप मेन चीज़ याद रखें। बाकी सब चीज़ें तो आप इतने अकलमंद हैं माशाल्लाह कि आप ये सब चीज़ें खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स का इतना बेसिक मकसद है नहीं, वैसे इसको जरा ओवरऑल ब्राउज कर रहा हूँ, लेकिन यू डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ डेटा मॉडल्स की बात। अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है डेटा मॉडल हमारी जिम्मेदारी है, डेटा लेक हमारी जिम्मेदारी है, रैंगलिंग हमारा काम है, एनालिटिक्स हमारा काम है, स्टोरेज हमारा काम है, इंजेशन हमारा काम है, रियल टाइम हमारा काम है, बैच हमारा काम है, मेटा डेटा, मास्टर डेटा, सब चीज़ें हमारी आर्किटेक्चर की जुमरे में आती हैं, गाइडेड बाय द डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल जो कि काउंसिल में बन सकते हैं। और ये सारा फीडबैक इसके ऊपर होता है कि हम बताएंगे भाई ये कर लो तो गवर्नेंस अपनी पॉलिसी हमारे लिए चेंज कर देगी, लेकिन गवर्नेंस वालों का हाथ ऊपर हमारे रहेगा। ठीक है,
हाँ तो डेटा मॉडल्स एंड डेटा गवर्नेंस, तो फिजिकल टेबल्स में ये स्टेवर्ड्स वगैरह नीचे लेवल पे काम करते हैं, लॉजिकल जो एंटिटीज होती हैं कंपनीज के अंदर उसमें डेटा ओनर्स और डेटा सीनियर डेटा स्टेवर्ड्स होते हैं, और बिल्कुल ऊपर के लेवल के ऊपर आपको पता ही है कि वो जो मेन डेटा ओनर्स हैं वो कौन से हैं, वो बिजनेस के हेड्स होते हैं। एचआर का जो डेटा है वो एचआर का जो बिजनेस हेड है वो उसका डेटा ओनर है, ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके नीचे फिर सब डेटा ओनर्स भी उसके होंगे जिसके थ्रू अपना पूरा काम करवाएगा। तो ये लंबी छोटी कहानी है जिसके थ्रू आप करवा सकते हैं। ये बेसिकली एक हमने काम किया था किसी एक कंपनी के लिए किसी जमाने में, 3-4 साल पुरानी बात हो गई, तो ये उनके लिए ये बनाया था हमने, डेटा गवर्नेंस की हमने स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी। तो उनके लिए ये था कि ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स और बिजनेस हेड्स हो गए, और आपका बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो गए और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स यहाँ पर भी हैं। एलओपी का कुछ और मतलब था, मुझे अभी याद नाम याद नहीं आ रहा, और ये उनका कोई अपना डिवीजन होगा, और सिस्टम के एक्सपर्ट्स अलग थे। तो इन तीनों के हमने एंटिटीज बनाई और वी मेड देम ऑल पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ये ऊपर के लोग थे, चीफ डेटा ऑफिसर था और डेटा गवर्नेंस कोऑर्डिनेटर था। दिस इज द डेटा गवर्नेंस ऑफिसर बेसिकली, और ये दिस कुड बी द CIO एंड दिस कुड बी द डेटा गवर्नेंस ऑफिसर जो उसके नीचे काम कर रहा है, और दीज टू बोथ कुड बी द सेम पर्सन। इनको तो हमने कहा था कि आप डेटा गवर्नेंस कोऑर्डिनेटर को अलग से हायर करें, ठीक है। अच्छा, नीचे की लेवल के ऊपर जो डेटा गवर्नेंस का वर्किंग ग्रुप है उसके अंदर भी एक चीफ है और एक डेटा गवर्नेंस कोऑर्डिनेटर है, सॉरी यही दो लोग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, आई एम सॉरी अबाउट दैट, यही दो लोग ऊपर कमेटी को भी सब बातें बताएंगे, यही दो लोग नीचे आके सब चीजें मैनेज करेंगे। तो उसके अंदर आपके पास ये IT के एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं, फिर रोल्स हैं, यहाँ पे फिर स्टेवर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, व्हाटएवर जो भी है, सही है। तो देयर इज एन इंटरफेस बिटवीन द अपर हायरार्की एंड द लोअर हायरार्की, एंड दैट इंटरफेस इज बेसिकली द CIO एंड द डेटा गवर्नेंस ऑफिसर। ये उनके लिए हमने ये मॉडल बना के दिया था। अब इनके थ्रू जो अगर किसी ने आर्किटेक्चर बनाना है तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास बिग डेटा एनालिटिक्स की पूरी टीम बैठी होगी लोअर लेवल के ऊपर, यहाँ पर वो बेसिकली इन दोनों के साथ अपनी बातचीत करके सब काम करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक आर्किटेक्ट भी हो सकता है, लेकिन आर्किटेक्ट में मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें आर्किटेक्ट की ऑफिशियली जरूरत है, क्योंकि अब चीजें इतनी ज्यादा वो फैल गई हैं कि यू कैन डू इट बाय लर्निंग थिंग्स ऑनलाइन। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत नहीं कि आपको पूरी आर्किटेक्ट को हायर करने की जरूरत पड़ रही है, तो ये वो नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली कुछ यूज केसेस हैं द नीड, इनको कुछ ये आई थिंक ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिस था UK वालों का, इनको बेसिकली ये क्वेश्चंस आंसर करने हैं, हाउ शुड बी सेगमेंट, हाउ डू वी क्रिएट अ सिंगल कस्टमर व्यू, हाउ आर अवर। अब देखें ना, ये वो क्वेरीज हैं जिनके ऊपर आपको आर्किटेक्चर बनाने की जरूरत पड़ सकती है यूजिंग द डेटा गवर्नेंस पैराडाइम। ये क्वेरीज आपको लिखनी है किसी भी डोमेन के लिए, पहले क्वेरीज लिखें उसके बाद अपना काम करना शुरू करें, और रैंगलिंग पे आप 60% एफर्ट डिवोट करें फिर आपका काम बनेगा। ये अब हमारा एक स्टैंडर्ड बन गया है जुमला जो कि आपको अब समझ में आ जानी चाहिए। यस बिल्कुल, ये बिल्कुल होगा। वाइल्ड वेस्ट सिनेरियो भी हो सकता है कि आप हर चीज आर्किटेक्चर के अंदर डाल दें और इतना एकेडमिक बना दें उसको कि किसी को कुछ स्टीयरिंग कमेटी को कुछ समझ ही नहीं आ रही। अब ये आपने यहाँ पे बेसिकली इसको बैलेंस करना है, ये आपका काम है कि आप किस तरह करते हैं। उसके लिए मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी समझा दी कि वो किस तरह करना चाहता है। आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी गवर्नड, व्हाट नीड्स टू बी गवर्नड, द कस्टमर डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स टू बी गवर्नड, इट शुड बी क्लीन, देयर शुड बी अ मास्टर डेटा पार्टीशन फॉर दैट, इट शुड बी मैनेज प्रॉपरली। कस्टमर डेटा सबसे पहले क्लीन होगा, सबसे पहले गवर्न होगा, सबसे पहले उसकी पॉलिसीज बनेंगी, क्यों बनेंगी, क्या क्या होगा, किस तरह होगा, ये सब चीजें आप इसका जवाब आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग चाहिए। मैं पिछले साल में डेटा गवर्नेंस की एक ट्रेनिंग ऑफर करने लगा था लेकिन फिर कोरोना आ गया, तो जब एक उसकी मैं वन डे वर्कशॉप करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला, तो उसमें ये सारी क्वेरीज आपके आंसर हो जाएंगी कि इनिशिएटिव्स किस तरह लॉन्च करते हैं या क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और यहाँ बैलेंस रखने का मतलब क्या है कि जस्ट एनफ, क्योंकि चीजें फ्लेक्सिबल हैं तो बहुत ज्यादा अंदर जाके चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करवाएं, बस ऊपर ऊपर के लेवल पे करवा के आहिस्ता आहिस्ता स्पाइरल मेथड के ऊपर आप नीचे आके उसको चेंज करवाना शुरू करें, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, अलाइनिंग करने के लिए कंटिन्यूस अलाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, ये आपका डेवऑप्स की वो मेथडोलॉजी जो है जो कि आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होगी, जो कि अभी हमें उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वो बेसिकली बता रहा है कि चीजें आपकी मुस्तकिल चेंज होती रहेंगी और आर्किटेक्चर भी आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गई बात की, ये आपका डेटा गवर्नेंस और उसका इनिशिएटिव हो गया। ये चीजें आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ जानी चाहिए, हमने सारी बेस लाइन इस पर रख दी है,
अच्छा अब हम आते हैं जो मेन चीज मैंने आपको दिखानी थी, हाँ ये मैंने आपसे डॉकर की लैब मेरे ख्याल में पिछले कोर्स में शेयर की थी। डॉकर का आई थिंक आप सबको पता है अपना राइट, मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है ना जी। हाँ जी डॉकर पता है ना सबको, क्या हो गया सांप सांप आज सांप को देख लिया क्या, सारे खामोश बैठे हुए हैं सर। एक क्विक रिव्यू दे दे। सॉरी एक क्विक रिव्यू दे दे सर। कंटेनर सर्विस है आई बिलीव। आपका बिलीव तो अच्छा है लेकिन कुछ बात भी तो करें ना, मैं आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ लेकिन इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से आप लोगों की तरफ से कमेंट्स आने चाहिए, इस बारे में सवालात आने चाहिए। डेटा गवर्नेंस की बात की, बिग डेटा की बात की, कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखिएगा ठीक है जी जी। और लाइक सर आई बिलीव ये पाइथन के साथ भी बहुत बड़ी चीज इस्तेमाल होती है बहुत ज्यादा रिगार्डिंग स्टोर कंटेनिंग डेटा, लाइक डेटा को एक जगह संभालना एंड देन वर्चुअलाइजेशन में भी कोई आगे काम होता है, इतना तक तो मुझे पता है। किस चीज की बात कर रहे हैं? डॉकर की, बिकॉज़ ये पाइथन के साथ भी बहुत यूज होता है, इट्स अ टूल। हां एक सेकंड गो थ्रू अगेन अबाउट डॉकर ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब कि क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, दैट्स कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। जो नीचे वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम होस्ट कहते हैं और जो उसके ऊपर चल रहा होता है उसको हम गेस्ट कहते हैं ठीक है। और व्हाट वी कैन डू इज के एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा होस्ट चल रहा है जैसे विंडोज है, तो यूजिंग वर्चुअलाइजेशन आई कैन रन डिफरेंट ओएसेस ऑन टॉप ऑफ दिस, जैसे लिनक्स हो गया और सोलरिस हो गया और मैक ओएस हो गया, ब्ला 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 ठीक है। और इसी तरह जो है ना, अगर मेरे पास होस्ट जो है ना वो लिनक्स है तो उसके ऊपर मैं विंडोज चला सकता हूँ, मैं सोलरिस चला सकता हूँ, मैं मैक चला सकता हूँ। और इसी तरह अगर मेरे पास मैक चल रहा है तो उसके ऊपर मैं विंडोज चला सकता हूँ, लिनक्स चला सकता हूँ, सोलरिस चला सकता हूँ और ब्ला 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 ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है, इस काम को करने के लिए मेरे पास एक टूल है जिसको मैं कहता हूँ वर्चुअल मशीन। और वो सारी दुनिया को पता है कि वर्चुअल मशीन क्या चीज़ होती है, कि वो एक होस्ट के ऊपर मैं मल्टीपल गेस्ट चला सकता हूँ। और टिपिकल हमारा सिनेरियो क्या होता है इस चीज में कि दिस इज द टिपिकल सिनेरियो जिसके अंदर मेरे पास एक हाइपरवाइजर एक लेयर आती है बीच में। अगर मैं एक होस्ट के ऊपर मल्टीपल चला रहा हूँ तो मेरे पास एक हाइपरवाइजर होता है, एक भी चला रहा हूँ तो हाइपरवाइजर होता है। तो हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लाइक हमारा ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है सही है। और दूसरा कौन सा है? ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स है और दूसरा कौन सा है भाई? वीएमवेयर ठीक है। तो ये बेसिकली आपको वर्चुअल मशीन्स डिफरेंट चलाने का एक ही होस्ट पे अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसमें डिसएडवांटेज ये होता है कि वीएम्स के अंदर के इट्स अ कंप्लीट सेपरेट एंटिटी which runs as a separate computer basically over the host. तो आप देख रहे हैं कि इसका OS भी अलग है और host OS अलग है। तो this is like a separate computer running over one computer. So this is like three computers running over one computer. तो obviously इसमें आपकी speed जो है ना वो बहुत ज़्यादा effect होगी। Unless you have like 32 GB RAM, उसमें तो ये चलो चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है, तो ये दो तीन वर्चुअल मशीन्स भी उसके ऊपर जो है ना वो अटकना शुरू कर देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू वर्क दैट वेल। दो तक तो चलो चल जाएंगी 16 GB पे, लेकिन उसके ज्यादा जो है ना वो प्रोबेबली इट्स गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग रॉन्ग ठीक है। अनलेस आपके साथ SSD भी है तो शायद एक और चल जाए, लेकिन उस चीज को पुश करना जो है ना वो हमाकत है बेसिकली। जस्ट मैक्सिमम दो तक चलाएं, आप अपना काम निकलवाएं और चलते हुए ठीक है।
ये हमारा प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी आई, और कंटेनर्स क्या चीज़ है कि वी वर्चुअलाइज दी ओएस रिसोर्सेज। यहाँ पर मैं ओएस के रिसोर्सेज को वर्चुअलाइज नहीं करता बल्कि मैं अपना ओएस डालता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली ओएस के जो रिसोर्सेज थे वो मैंने यहाँ पर वर्चुअलाइज कर दिए कंटेनर्स के अंदर, ठीक है। तो जो चीज़ भी कंटेनर को चाहिए वो आप यहाँ से लेके कंटेनर में बंद कर दें। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे फॉर एग्जांपल तीन बंदे जाते हैं दुकान के ऊपर और तीनों ने जो है वो चीज़ें खरीदनी है। पहले वाले बंदे को चाहिए चावल आटा चीनी, दूसरे को चाहिए पत्ती चावल आटा, तीसरे को चाहिए पत्ती चावल आटा चीनी, ठीक है। और उनकी हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को 2 किलो चाहिए, किसी को 3 किलो चाहिए। तो दुकान एक ही है, ठीक है, सर्विस एक ही है। तो एक ही जो शॉपकीपर है वो तीनों को अपना अपना पैकेट बना के दे देता है और तीनों अपना पैकेट लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये आप उसको इस तरह की मिसाल समझें कि एक ही बंदा जो है ना वो तीनों को सर्व कर देता है। अच्छा, 15 मिनट के बाद एक बंदा दोबारा आता है, वो कहता है यार मुझे ये भी चाहिए, तो वो उसको एक और कंटेनर बना के दे देता है, ये लो भाई ये ले लो चॉपर में ले लो जो चाहिए आपको। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब आप इस इधर बात करते हैं तो ये बेसिकली आपने एक डब्बे को फिक्स कर दिया कि भाई जो कुछ भी है बस मैं ही तुम्हें करके दूंगा, और क्या कहते हैं जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं बस उसी में जो तुम कर सकते हो वो कर लो, जब स्पीड का मसला आएगा तो तुम उससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंटेनराइजेशन में कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी नीड क्या है, व्हाट इज द नीड, ठीक है, व्हाट इज द नीड। के कभी आपको ओएस में कुछ चीज चाहिए, कभी आपको कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, जो चीज भी तुम्हें चाहिए उसका तुम छोटा सा कंटेनर बना लो, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से यूज करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ पे, जब मैं हूं तो मैं सर्व करने के लिए, तो मैं अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली फिर यही बात आ जाती है कि इस मॉडल को करने के लिए अगर मेरे पास होस्ट लिनक्स है तो मैं लिनक्स के कंटेनर्स यहाँ पे ऊपर रन कर सकता हूँ, ये हमारा मेन मॉडल है, ठीक है। विंडोज होस्ट है तो विंडोज के कंटेनर्स में रन कर सकता हूँ। अब लिनक्स होस्ट हो मैं उस पर विंडोज के कंटेनर्स बनाऊ, मे बी मुमकिन हो, लेकिन इसके लिए डॉकर का विंडोज का अलग पूरा वर्जन आता है। प्योर डॉकर जो है ना वो लिनक्स के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर मैक के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो हमारा जो ज्यादा जो कॉन्टेंट बनता है वो लिनक्स प्लेटफॉर्म पे बनता है, जिसके ऊपर हम ये सारी डॉकर्स वगैरह जो है ना वो लिनक्स के ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं और उसको हम चलाते हैं। सर विंडोज पे क्यों नहीं होता? हाँ, डॉकर फॉर विंडोज भी है। तो लिनक्स पे लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर विंडोज के लिए भी है तो व्हाई डू पीपल प्रेफर लिनक्स मोर? देखें, हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा होता है, हर चीज़ का अपना एक नुकसान होता है। लिनक्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों की ना, वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट के लिए लिनक्स की फ्लेक्सिबिलिटी विंडोज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने आर्किटेक्चर्स क्रिएट करने हैं, हो सकता है विंडोज़ पे भी आप आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना पूरा डॉकर के आप पूरा आर्किटेक्चर डॉकर बेस्ड आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं डॉकर फॉर विंडोज़ यूज़ करके, येस यू कैन डू इट। लेकिन वो चीज़ अभी रिसेंटली आई है, डॉकर को आए हुए तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने इसका इस्तेमाल लिनक्स प्लेटफॉर्म पर ही किया है और दुनिया भी यही करती है। तो बिग डेटा आर्किटेक्चर्स अगर आपने बनाने हैं तो जो सर्वर लेवल पे अगर आपने कोई काम करना है तो उस पर लिनक्स पे लोगों का ज़रा ज़्यादा माइंड सेट होता है, लेकिन अब चूँकि विंडोज सर्वर्स भी अवेलेबल होते हैं और अगर किसी को डॉकर फॉर विंडोज़ अच्छी तरह आता है और वो अपना पूरा डॉकराइज्ड आर्किटेक्चर विंडोज प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकता है तो सो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल आप चला सकते हैं डॉकर फॉर विंडोज के ऊपर, आप हडूप भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन वो उसकी हेल्प जरा आपको कम मिलेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी कम्युनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो असल में विंडोज जो है ना वो उसका जो ज्यादा मकसद जो है ना वो है आपका इसका यूजेबिलिटी का है। विंडोज जो बनाया गया है ना वो इस चीज के लिए नहीं बनाया गया कि आप उसमें डेवलपमेंट एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट करें,
ये तो एंटरप्राइज लेवल डेवलपमेंट है ना कि आप पूरा आर्किटेक्चर अलग से क्रिएट करते हो, एंटरप्राइज लेवल का काम है। विंडोज इस वजह से इसके लिए नहीं बनाया गया है ना, विंडोज तो बनाया गया किसी और चीज के लिए। तो बहरहाल अगर विंडोज पे कोई कर सकता है, विंडोज सर्वर्स आप यूज कर रहे हैं तो आप कर लें उसको। विंडोज होस्ट होगा, ऊपर विंडोज की मुतअद्दिद कंटेनर्स चल रहे होंगे डॉकर के, और आपने जो करवाना है करवा लें। अब हमारे यहाँ तो जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो हडूप, हमें डेटा लेक में हडूप चाहिए, तो हडूप ओवर विंडोज पता नहीं लोग कितना उसको इस्तेमाल करते हैं। हडूप ओवर विंडोज मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई हडूप ओवर विंडोज बहुत ज्यादा कोई फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज है। अगर है तो सौ बिस्मिल्ला, मैं तो उससे इनकार नहीं करता। अगर किसी को आता है तो भाई वो उसको करके बता दे, मुझे तो इतना इसका इलम नहीं है। सही है, तो ये आपका कंटेनर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो कंटेनर का जो ये है ना, ये कंटेनर बेसिकली वर्चुअलाइजेस द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि आपको सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो वीएम होती है वो हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करती है, बस ओएस आपको अपना डालना पड़ता है। इंस्टॉल्स कंटेनर ऑन द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके अंदर आपको पूरा का पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से वीएम के अंदर डालना पड़ता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम गेस्ट होस्ट का कर्नल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपके पास कर्नल अलग होता है, कर्नल का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये बहुत लाइट वेट होता है, ये हैवी वेट होता है, इसकी परफॉर्मेंस नेटिव है, ये लिमिटेड परफॉर्मेंस होती है। इसमें आपको हर चीज़ बड़ी आइसोलेटेड मिल जाती है या आपको फुली आइसोलेटेड मिल जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि डॉकर हब, मैंने आपको पिछली बार hub.docker.com आपको याद होगा, ये आपका वो था, जस्ट राइट दैट डाउन। आप लोगों को मैंने काम भी देने कुछ, ठीक है, समझ में आ गई बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब जैसे अब मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आर्किटेक्चर बनाना है आईओटी डेटा को एनालाइज करने के लिए। तो ये मेरे पास पहली लेयर हो गई जिसमें मैं इंजेक्शन कर रहा हूँ काफ्का के थ्रू, और फिर मेरे पास एक लेयर हो गई जिसमें मैंने हडूप चलाया हुआ है। अभी मैं डेटा लेक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने हडूप चलाया हुआ है और हडूप के ऊपर मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग चलाया हुआ है। तो ये कंटेनर है जिसमें काफ्का चल रहा है, और ये कंटेनर है जिसमें हडूप के ऊपर स्पार्क स्ट्रीमिंग चल रहा है। ये कंटेनर डेटा पकड़ता है, और ये कंटेनर डेटा को जो भी इसने अपना मैपिंग करनी है वो मैपिंग करके इसको देता है। और यहाँ पर एक कंटेनर है जो फ्रंट एंड का कंटेनर है, और ये कंटेनर करके आपस में आपको डैशबोर्ड दिखा रहे हैं। अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने स्पार्क स्ट्रीमिंग नहीं यूज करनी, मैंने अमेज़न की काइनेसिस इस्तेमाल करनी है, तो ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं इस कंटेनर को डिलीट कर दूंगा और मैं एक नया कंटेनर लेकर आऊंगा जिसमें अमेज़न का काइनेसिस चल रहा है, और इनको आपस में जोड़ दूंगा। फिर बाद में डिसीजन होता है नहीं यार मैंने काफ्का नहीं यूज करना, मैंने प्योर मुझे काफ्का की जरूरत नहीं है, तो ठीक है काफ्का की जरूरत मैं खत्म कर दूंगा और मैं प्योर पाइथन का इंजेक्शन मॉड्यूल को डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट करके बगैर उसके मैं इसको यहाँ पे काइनेसिस को देना शुरू कर दूंगा। अगले बंदे को कहता है यार जरा डैशबोर्ड जरा टेक्नोलॉजी चेंज कर दो, ठीक है, तो आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, मैं इस कंटेनर को डिलीट करूंगा और मैं एक नया कंटेनर ले आऊंगा जिसमें यहाँ के ऊपर मैं डैशबोर्ड नई टेक्नोलॉजी भी डैशबोर्ड बना दूंगा। तो इस तरह है, ये है प्लग एंड प्ले, और प्लग एंड प्ले में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमने पिछली स्लाइड में देखी हैं कि आर्किटेक्चर ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप इसको परमानेंट ना करें, आप इसको ये समझें, आप इसको वो समझें, ओपन माइंडेड रहें, सारी चीजें प्लग एंड प्ले में आपकी मैनेज हो जाती है। तो ये सिर्फ इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंटेनर्स। स्पार्क का कंटेनर है, स्पार्क स्ट्रीमिंग का कंटेनर है, हडूप का कंटेनर है, काफ्का का कंटेनर अलग है, स्टेजिंग एरिया का अलग कंटेनर है, डेटाबेस की अलग कंटेनर है, हर चीज जो मतलब एक लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक लेयर के अंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स चल रहे हो सकते हैं, सही है। सही है, समझ में आ गई है जी।
और जो सर जो सारी एक्टिविटी कंटेनर्स में भी हो रही होती है वो सारी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर भी हो रहा होता है ना? अगर आप चाहें तो कंटेनर की एक्टिविटी का लॉग जो है वो शायद आप आउटपुट करवा सकते हैं, मुझे इसका 100% श्योर नहीं है, लेकिन कंटेनर के अंदर क्या होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं और हर चीज आप बिल्कुल आप यू कैन आउटपुट व्हाट इज हैपनिंग। अभी तो आर्किटेक्चर बनाना वो सब करना ये तो अभी तो मतलब आपको आज के लेक्चर के बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके बनाने का क्या मतलब होता है, डेटा गवर्नेंस उसका क्या ताल्लुक है और डॉकर्स बीच में कहाँ आ रहे हैं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है, ये डॉकर है तो आपका जो वर्चुअलाइजेशन होस्ट है वो डॉकर इंजन है, तो अब आप इस तरह देखें कि ये आपका एक मशीन है, इसके ऊपर आपने डॉकर इंस्टॉल किया तो ये आपकी लिनक्स मशीन है या विंडोज मशीन है, ऊपर आपका डॉकर का इंजन चल रहा है। अब आपने डॉकर इंजन के ऊपर एक बिग डेटा आर्किटेक्चर बनाना है तो जाहिर सी बात है उसमें आपके पास ये 3-4 कंटेनर्स चल रहे हैं और ये कंटेनर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं यूजिंग ब्रिज नेटवर्किंग। ठीक है, ब्रिज नेटवर्किंग के थ्रू ये सारे कनेक्टेड हैं एक ही होस्ट के ऊपर और ये आपस में बातचीत करके कम्युनिकेट करके आपका पूरा डेटा को प्रोसेस करके दे रहे हैं। सही है, समझ में आ गई बात की? नहीं समझ में आई मेरा ख्याल में? ब्रिज नेटवर्किंग गेटवे है ना? वो तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है ना, लेकिन ब्रिज नेटवर्किंग बेसिकली ये चीज है कि अगर एक ही पीसी के ऊपर डॉकर कंटेनर्स को आपने आपस में बातचीत करवा ली, कंटेनर बाय इटसेल्फ तो कोई मतलब नहीं है ना, भाई एक कंटेनर में रैंगलिंग करवा रहा हूँ, एक में मैं इंजेक्शन करवा रहा हूँ, एक में काफ्का चल रहा है, एक में कुछ और चल रहा है, उनका आपस में बातचीत तो करनी है ना, क्या ख्याल है? जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपका काफ्का का कंटेनर है और ये लेयर है, ठीक है, ये आपकी लेयर वन है, इसमें काफ्का का कंटेनर चल रहा है और रैंगलिंग का कंटेनर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है काफ्का डेटा लेके तो ये डेटा यहाँ से पकड़ेगा, ये डेटा इसको देगा रैंगलिंग को, ठीक है, और रैंगलिंग का डेटा फिर यहाँ पर उसके स्पार्स स्ट्रीमिंग में जाएगा और स्पार्स स्ट्रीमिंग के बाद फिर ये आउटपुट लेयर पे आ जाएगा। आउटपुट तो 4 कंटेनर चल रहे हैं, इन चारों कंटेनर को बातचीत करने के लिए ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा और यहाँ पर रिजल्ट नजर आ जाएगा। तो आपस में बात करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट किस्म की नेटवर्किंग होती है, एक है ब्रिज नेटवर्किंग, एक है ओवरले नेटवर्किंग, जिसके थ्रू आप कंटेनर्स को आपस में बातचीत